हरे कृष्ण। हम लोग थोड़ा कीर्तन करेंगे फिर हमारे सत्र को शुरू करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय Yeah.
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama.
संकीर्तन की जय, प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा। ये कीर्तन बहुत जरूरी था क्योंकि हम लोग मुक्ति का मार्ग खोज रहे और ये मुक्ति का मार्ग इस कलयुग में क्या है, हरे नामानुकीर्तनम। हरे कृष्णा। ओम अज्ञान निमरंदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमाम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो ये जो आप लोग तप कर रहे हैं गीता पढ़ने का, ये कंसिस्टेंटली करते रहिए। इससे क्या है कि कोई ना कोई श्लोक तो बहुत अंदर डीपली आपके चले जाएगा, और एक श्लोक भी अगर हमारे अंदर घुस गया ढंग से तो काफ़ी है जीवन उद्धार करने के लिए। ठीक है, आपको नींद आ रहा है, आपके बटन भी खुले शर्ट के। हाँ, कौन से क्लास में बैठे आप, या कोई भी घटिया टाइप का वो पे बैठ के मत आए, एकदम छपन डिसिप्लिन मेंटेन किया करो। हाँ, कि कैजुअल क्लास नहीं है। गीता को कैजुअल लोगे तो तुम जिंदगी में कैजुअल हो जाओगे, याद रखना। हरे कृष्णा। चलिए, कहाँ पहुंचे थे हम लोग, पांचवे अध्याय के छठे श्लोक में हम लोग हो गया था। अब सातवें प्रवेश करेंगे। तो कौन से पांचवे अध्याय के कितने भाग हैं? चार। पहला भाग क्या सिखाता है? कर्मयोग और कर्म संन्यास जो है वो एक है, परंतु कर्मयोग करना ज्यादा उचित है और आसान है। क्यों? कर्म संन्यास करने के बाद आपको गिरने का चांस ज्यादा है। कई बार कुछ लड़कियां होती हैं वो पिछले जन्म में ना, मतलब होता है जैसे कुछ ब्रह्मचारी कैंडिडेट हो गिर गया, स्त्री होने में चला गया, उसको साक्षात्कार बहुत होता है भक्ति का, लेकिन है तो स्त्री शरीर। अब घर वाले बोलते हैं शादी करो, अंदर से आता है नहीं ये तो बड़ा झमेला वाला चीज है। तो अंदर से साक्षात्कार एक बोलते हैं और बाहर एक बोलते हैं, तो क्या करना चाहिए उस स्थिति में? क्या उसे सब छोड़ छाड़ के भागे किसी मठ में बैठ जाना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? हाँ, कर लेना चाहिए। भले ही वो तुम्हें समझ में आ रहा है कि अग्नि है, परंतु उसमें आपको पार करना ही उचित होगा। भाग के जाइए तो क्या होगा, 10 दिन वो करिएगा, वो हैंग रहेगा। जो भी मठ में आप गए हैं उसका 10 दिन हैंग होगा। 11वां दिन क्या होगा, मन जो है मन बदमाश होता है, फट करके वो पलट जाएगा। फिर वो मठ को भी गाली देगा, उस जीवन को भी गाली देगा, फिर ना तुम यहाँ सुख पाओगे ना सब छूट जाएगा। तो ये इसलिए अपने कर्तव्य को करते रहना चाहिए, चाहे वो कितना भी कष्ट कर हो, त्याग नहीं करना चाहिए। जैसे गीता क्लास 3 बजे बोले तो आके बैठ जाना चाहिए, नहीं कर्म संन्यास ले लिया, अब जो है गीता अध्ययन नहीं करेंगे। 3 बजे कौन जाएगा, रात में सुनेंगे जब ठंडा ठंडा रहेगा। लोग आजकल लाइव है, आए ऑनलाइन है, तो रात में एसी लगा के ढारढूर मारते हुए सुनता है, तो फिर फल भी वैसा मिलेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना है। 7वां श्लोक लीजिए,
अभी तो दूसरा भाग क्या है, माफ करना, दूसरा भाग क्या है, पांचवा अध्याय का कर्मयोग कैसे किया जाए, कर्मयोग कैसे किया जाए, कितने श्लोक है इसमें, सात से बारह, सात से बारह यानी कितने श्लोक हुए, छह श्लोक हुए। और उसके बाद क्या है, आत्मा परमात्मा प्रकृति का, आत्मा परमात्मा और प्रकृति का संबंध। तो आज हम आज के सत्र में, अभी बैठे सत्र में, ये दो जो भाग है इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, और कल के सत्र में जो बचे हुए श्लोक है चौथा खंड उसका वो करने का प्रयास करेंगे। तो कल सुबह तक हमारा पांचवा अध्याय हो जाएगा। ठीक है, आइए सातवां श्लोक पढ़ते हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। देखो इसमें बहुत खासियत वाला चीज है, क्या कहा गया है, क्या गुण है इधर, इस प्रकार से जो कर्म संन्यास के बजाय कर्मयोग कर रहा है, कौन सी स्थिति में कर्मयोग कर रहा है, कृष्ण भावना भावित, कृष्ण भावना भावित में क्या हो गया, एक प्रकार से निष्काम से ऊपर, निष्काम से आप आगे बढ़ रहे हैं, मतलब ज्ञान आप में आ चुका है, तो निष्काम और ज्ञान का और भी मिश्रण उसमें हो चुका है। और ज्ञान क्या चीज का हो चुका है, कि मैं किसका हूं, कृष्ण का हूं, मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण किसके हैं, तो कृष्ण के जो सारे अंश हैं जीव वो किसके हैं, सभी जीव किसके अंश हैं, कृष्ण के हैं, मैं किसका हूं, तो सभी जीव मेरे क्या हुए, अपने हुए, सहोदर हुए ना, मतलब मेरे हुए। तो अब द्वेष कहां से आएगा, जैसे आप ट्रेन में बैठते हैं तो क्या देखते हैं, आपको नींद आ रहा है, नहीं आ रहा है, श्योरली यहाँ बैठो सामने, तो सहोदर मतलब जैसे आप ट्रेन में जाइएगा तो आप देखिए एक बर्थ होता है यहाँ यहाँ सामने, तो सहोदर होता है, सहोदर का मतलब सहोदर क्या, सॉरी आप एक ट्रेन के बर्थ में बैठ जाओ, आपका सीट है, तो जनरली ना कोई सीट नहीं देना चाहते वेटिंग वालों को, भगाते हैं, वेटिंग मतलब लिटरली भागो, फिर भी कैसे तैसे अगर आप मुंह हल्का फुल्का बना के बैठ जाए तो लोग कोने में बैठने देते पहले, फिर आप एक्वायर कर सकते धीरे धीरे, अंदर का भेद जानते हुए किसका किससे जम रहा है नहीं जम रहा है, तो उस हिसाब से आप सीट ले सकते हैं। ये टेक्निक बहुत कम लोग को आता है, जो ज़्यादा ट्रेवलिंग करते उन्हें आता है। तो जब आप बैठते हैं तो वो सामने वाला क्यों नहीं बैठने देता आपको, क्या भावना होती है, पहले अपरिचित होती है, अपरिचित नहीं मेरा नहीं है ये, मेरा नहीं, क्या लेन देन है मेरा, कोई संबंध नहीं, नहीं। और समझो वो हल्के में कोने में बैठा है, उतने में इधर से इस माता जी ने फोन कर दिया अपने बेटे को, देखो ना यहाँ कौन बैठ गया है, मुझे परेशानी हो रही है, तो बोले रुको हम बात करवाते हैं, बात दो फोन दो, और फोन करके पता चला वो जो स्टूडेंट है उसका बेटा है, उसका ये प्रोफेसर है, बोले मम्मी ये तो हमारे प्रोफेसर जी हैं, ओह देखिए तो हम यही सोचे कैसे आप वहां क्यों बैठे हैं, आप यहाँ ठीक से बैठिए, ठीक क्यों, कोई काम इलाके के निकल जाता है, क्या निकला पहले, वो तो बात की बात है, क्या बन गया, संबंध बन गया, तो संबंध बनते ही क्या बन जाएगा, अपनत्व की भावना आएगी। नॉर्मली जीवन में क्या भावना बनी रहती है, ये मेरा है ये मेरा नहीं है, स्वार्थ बुद्धि होती है। जैसे कुत्ता क्या करता है, कुत्ता जाएगा एक कोने में मुंह देगा टांग ऊपर करके और सूंघ लेगा, फिर दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर, चौथा कॉर्नर में चारों मुंह के बैठ जाएगा, अच्छा आराम से बैठेगा, और जो ही उस एरिया को पार करके दूसरा कुत्ता आएगा ना, पता नहीं इसको क्या वाइब्रेशन आता है, वाँ। 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 मेरा एरिया है आने का, पूरा उसका बाउंड्री दिखता है क्या किसी को, आपको कुत्ते का बाउंड्री दिखता है क्या आपको, नहीं, उसका बाउंड्री है, इसलिए आपका टायर जब ट्रेक कार भागते हैं ना, तो किसी और ने अगर आपके टायर पे सुसु कर दिया होते भागते तो हर कुत्ते का अपना गली होता है, वैसे हर जीव क्या करता है, इधर आके ना यही बनाने में अपना जीवन बिता देता है, क्या बिता देता है, पूरा जीवन, हाँ ये रूम मेरा है,
हाँ ये डिजाइन मेरा है, मैं यहीं से लेक्चर दूंगा। कल को बोल दिया नहीं पेड़ के पास जाके दीजिए, नहीं 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 अशोक अशोक मेरा 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 मेरा, छोटे बच्चे होते ना खिलौना मेला मेला मेला। वैसे जीव क्या बोलता है, ये सब क्या है मेरा। ये पत्नी मिली खूबसूरती किसकी है मेरी। ये पैसा जो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 20,000, वो मेरा क्रेडिटेड है। और गलती से कोई चोर उसको ले लिया, हैकर, फिर हम गुस्सा हो जाते। क्यों गुस्सा होते नहीं, क्योंकि वो मेरा आदमी नहीं है। और भक्त का जो परमहंस की बात कर रहे हैं, आप लोग तो भी कच्चा लिंबू है, मैं भी कच्चा लिंबू, मेरा हैक हुआ तो मैं उसको अभी टोक दूंगा। लेकिन अगर कोई परमहंस है जिसको ऐसे भी धन दौलत की कोई पड़ी नहीं, आए हुआ वो क्या, वो कोई ले भी लिया तो सोचता है चलो अपना भला करेगा, अच्छा करे उस पैसे का, यही वो मतलब एक शुभ कामना दे देगा उसके साथ कि ठीक है लियो हो तो अच्छे से इस्तेमाल करो। क्योंकि वो जानता है कि अंत में ये जीव भी अगर भगवान से कहीं कनेक्ट हो गया, जैसे सांप चंदन को कैसे भी लपेट जाए तो चंदन बिशारी होता है क्या, किसमें सुगंध आ जाएगा, वो सर्प में सुगंध आ जाएगा। वैसे भक्तों से कोई भी संपर्क में आ जाए क्या होगा लास्ट में, वो शुद्ध हो जाएगा। हम प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं, उनका नाम है हरिदास प्रभु, क्या नाम है हरिदास। तो हरिदास प्रभु जो है वो उनको उन्होंने प्रभुपाद का फोटो देखा लेक्चर, वो कोई लेक्चर का फोटो आया था मुंबई का पेपर में आया था, तो प्रभुपाद ऐसा लेक्चर दे रहे तो यहाँ का घड़ी दिख रहा है सोने का, किसी ने प्रभुपाद को डोनेट किया था तो प्रभुपाद ने उनकी पसंद के लिए एक दिन पहन लिया था, ऐसी महंगा घड़ी था, प्रभुपाद दिया है तो अपना ले लिया फिर ठीक है। तो प्रभुपाद बोल रहे थे लेक्चर दे रहे थे यार ऐसा हाथ देखा तो वो फोटो आ गया था। और ये हरिदास ठाकुर हरिदास प्रभु जो थे वो चोर थे पहले, मतलब खुद ही बोलते हैं ये उनकी मुख से निकला हुआ कथा है, वो पहले मतलब चोरी कर लेते थे आराम से, किसी का बटवा मारना ये सब ऐसा स्किल सेट था उनमें। वो बोले ये बाबा जी के पास आसपास तो कोई होगा नहीं, मतलब बाबा जी का लूट लेंगे पता नहीं चलेगा, साधु आदमी है पकड़ भी लेगा तो छोड़ देगा। तो वो लेक्चर में आगे बैठ गए दूसरे दिन आके मंदिर में। अप्रभात बोल रहे हैं ये जो मनुष्य जीवन है ये चोरी चमारी करने के लिए नहीं है, इससे आपको मनुष्य योनि से भगवत प्राप्ति करना है। ये जो है ना मनी मन बोल रहे वो सब ठीक है पर मैं लास्ट में तो घड़ी लेके जाऊंगा। लास्ट में मैं घड़ी जो है तुम्हारा उठा के ले जाऊंगा। और हुआ क्या, लेक्चर खत्म होने से पहले, खत्म होते होते ही प्रभुपाद बोले ऐसा हाथ करो तुमको घड़ी चाहिए, उनको दे दिए। बोले इनको कैसे पता तुम्हें क्या करना है, फिर वो घड़ी छोड़ दिया। वो बोला मैं आपको, मैं भी इन लोगों की तरह आपको जीवन समर्पित करना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद ने उनको यूएस में किसी टेम्पल का प्रेसिडेंट बना दिया। आज चोरी करने आए आज कल पोस्ट मिल रहा है सोचो। आजकल के मंदिर के ब्रह्मचारियों को 50 साल हो जाता दाढ़ी पक जाता है, लेकिन दंडा लेने के लिए भी सर झुकाना पड़ता है, पराधीन पराधीन से कुछ सको। तो ये कल दो उसको ये हालत है, अगर कोई कुछ करना नहीं हो रख देना पकड़ रहे, तो ये हालत है। एक्चुअली भक्तों के संपर्क में कोई भी आए आनंद लेता है, क्योंकि भक्त क्या देखते हैं ये सब मेरे हैं, जुड़ाव देखते हैं भगवान से, अपना जुड़ाव देखते हैं और अपने आप को भी जानते हैं कि मैं तुच्छ जीव नहीं हूं, मैं कोई तुच्छ नहीं हूं जो इस संसार में फंसा हूं, मैं मुक्त हूं। आगे आने वाले हैं श्लोकों में, वो इस शरीर में भी फ्री वितरण कर सकता है इस संसार में भी, वो तो उसकी सोच से बंधा हुआ है। जैसे हाथी है, हाथी उसको आप देखिएगा, हाथी को ना सिर्फ पांव में बांध के खूंटे में बांध देते हैं, वही हाथी अपने सोंड से बड़ा पेड़ तोड़ देता है, और जब आता है मालिक के पास तो उसको उससे बांध देता है, उसी में चुपचाप खड़ा रहता है। मालूम है क्यों? क्योंकि जब वो छोटा रहता है तो उसको उसी से बांध दिया रहता है, वो वहीं ऐसा खड़ा रहता है, तो उसको एक दो बार ट्राई करता है नहीं निकलता, तो उसके माइंड में क्या बैठ जाता है कि ये कभी नहीं निकलने वाला चीज से बांधा है। बाद में जब बड़ा भी हो जाता है उसकी सोच नहीं बदलती, उसके कान में जाके बोल देगा ना अबे एड़े उखाड़, उसको जगा दिया तब तो ए इल्ले परम इल्ले कुछ हो जाएगा भागेगा वो। तो जीव को यही तो बताना है। कल भी मैं ईशोपनिषद के स्टोरी में बता रहा था, कल जब ईशोपनिषद क्लास दे रहा आप लोग नहीं थे। एक गरुड़ का ईगल, ईगल को क्या बोलते हैं,
चील बाज 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 बहुत बड़ा पावरफुल पक्षी होता है। तो वो जो है उसका एक अंडा जो है कहीं गिर गया और वो मुर्गियों के बीच में चला गया अंडा, मुर्गियों के अंडे थे ना, तो उसके साथ उनका उसका भी जन्म हो गया। वो देखा आज वो सब मुर्गी कॉक 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 कर रहा है, तो ये भी अपना कॉक 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 कर रहा है। अब बाकी मुर्गियों को पता था ये थोड़ा अलग दिखता है, उनको लगा ये स्पेशल अंडे से निकला होगा, मतलब उनको भी क्या पता आज जो सब मुर्गियों के साथ ये भी कॉक कॉक कर कुछ कुछ खा रहा है। जब देखे तो उसके पंख बड़े बन रहे हैं और उनके तो मुर्गियों के छोटे हो रहे हैं, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि मैं भी उड़ सकता हूँ। वो भी इनकी तरफ ऐसा कर रहा था क्या वो बड़ा पंछी। तो एक दिन क्या हुआ, ये मुर्गी लोग पहाड़ के ऊपर से कहीं गए, तो सारे मुर्गियाँ थी, और जब सूर्य को इस पंछी ने देखा नहीं, से अपने आप अंदर से एक नेचुरल वो आ गया कि अरे मुझे ऐसे ऐसे उड़ने का मन क्यों कर रहा है, क्यों नेचर है। हाँ उसका स्वभाव है। तो तब उसके माँ ने देखा अरे तो वही है अपना ही है, ये उसमें क्या कर रहा है मुर्गियों में। तो आके बोला उसने उड़के दिखा दिया कैसा तो वो भी इधर से आवाज निकल अरे निकलता मेरा भी फिर उसको ना उसके माँ ने ढकल दिया पहाड़ के नीचे। तो मुर्गी लोग चिल्लाने लगे क्या हो गया, लेकिन ये एकदम उसको बाद में पता चला मैं मुर्गी नहीं हूँ। तो हम लोग का हालत, जीव का यही हालत है इस संसार में, हम सब क्या सोच रहे हैं इस शरीर से नहीं निकल पाएंगे, इस शरीर को बाईपास नहीं कर पाएंगे, क्या होगा, असलियत क्या है, क्या है असलियत, हम शरीर ही नहीं, असलियत क्या है, हाँ नहीं क्या, अभी से क्या बकरे हैं हम, ये पढ़ता है, पढ़ते हो नोट्स बनाते हो, तो क्या है क्यों पढ़ते हैं, क्या करने क्या है आप, बताइए करो तुम, आपको अभी तक नहीं समझा हम क्या बोल रहे हैं, ये बैठता है क्लास में, कहीं तरी वेगा कर रहा जो लक्ष्य वो ठीक है। हरे कृष्ण। तो जीव जो है वो यहाँ पे क्या है फंसा हुआ, जीव जानते हो क्या होता है, क्या आत्मा, डरा नहीं है ना, गुप्तचर के रूप में तो नहीं आया ना, गुप्तचर लोग हैंग हो जाते हैं, तेरा आधार कार्ड दिखाना जानवा नहीं बाद में तो अरे इतने दिनों से आत्मा आत्मा चिल्ला के मेरा बैंड बजा हुआ है, तो बोलते हो आत्मा तो बोल देता, एक्चुअली पीछे बैठने वाले को बहुत ध्यान रहता है मेरा, समझ रहा है, आज तेरा गरुड़ बाहर निकाल के रहूंगा मैं, तू भी आत्मा है ये सब जानता है तू, लेकिन तू भूल गया है तो आत्मा जो है वो है पावरफुल, लेकिन क्या कर रहा है वो इस संसार में अपने आप को बांध के रख दिया, ये तेरा मेरा छोटे छोटे चीजों से लड़ रहा है, लेकिन उसके लिए वैकुंठ में क्या रखा हुआ है, अमाप, सारा उसी का है, ये संसार भी उसी का है। देखिए ये संसार किसका है वैसे, भगवान का, भगवान किसके हैं हमारे, तो ये संसार किसका हुआ, आपको टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है, किसी भी पेड़ का आम तोड़ के खा लीजिए प्रॉब्लम क्या है, आपको मालूम है कि ये आपका है लेकिन सामने वाले को नहीं मालूम है, तो हो सकता है वो आपको डंडे से मार सकते हैं इसलिए संसार में ईशावास्य प्रिंसिपल है, क्या है, ईशावास्यमिदं सर्वं यद् किञ्च जगत्याम् जगत् तेन तत्तेन भोजिथामागृधः कस्य स्विद्धनम्। हाँ हर व्यक्ति का एक कोटा निकला हुआ है, आपको एक क्षेत्र दिया हुआ है, शरीर दिया हुआ है, स्वभाव है, कुछ कर्मों बंधन से आने वाली चीजें हैं, उससे ज्यादा लेना आपका अधिकार नहीं है। हरे कृष्ण। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया, ऐसे जो व्यक्ति हैं, कौन से प्रकार के, जो ऐसे कृष्ण भावना भावित काम करते हैं, शुद्ध आत्मा एकदम शुद्ध है, आत्मा वैसे भी शुद्ध होता है लेकिन यहाँ भी वो शुद्धता का प्रखरता दिखती है, और अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण करते हैं, मतलब नियंत्रण करना मतलब क्या, दबा के रखना नहीं, क्या सीखा हमने,
भगवान की सेवा में लगा देना कछुए की तरह, याद है दूसरे अध्याय में? वेरी गुड। तुम थे जब उन्हें कछुआ सिखाया था वहां बोर्ड बनाया था कछुआ, तुम था? कभी कभी ना टीचर के राडर में कोई तो बकरा पकड़ जाता है। मैं वही सोचता हूँ यहाँ हम 30 लोग बैठे उसमें एक को कुछ भी नहीं समझा, ये ऑनलाइन में जो बैठे इनमें से कितनों को समझा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ कहा गया कि ऐसे जो है तो ऐसा जीव क्या करता है, पेड़ के बूंदे को पानी देता है, किधर? जड़ को। जड़ को पानी देने से क्या होगा, अपने आप पत्ते हरे हो जाएंगे। लेकिन आप पत्तों को धोइएगा सर्फ एक्सेल लगा के और जड़ पे पानी नहीं दीजिएगा तो क्या होगा, थोड़े थोड़े काल में वो चमकेगा भले ही, लेकिन थोड़े थोड़े काल में लास्ट में वो सूख जाएगा। तो वैसे जो जीव है ये अगर भगवान के सेवा के माध्यम में लगा हुआ है तो क्या होगा, वो हमेशा प्रसन्न रहेगा। और वो ही नहीं प्रसन्न रहेगा, आप ही तो उसके संपर्क में आने वाले। अब देखो ना, प्रभुपाद को सब मिलना चाहते थे। आप जब नगर कीर्तन करते हो तो सभी को प्रसन्नता होती है, पेड़ को, पौधों को, प्राणियों को, तथाकथित अलग पंथ के मार्ग में चलने वाले लोगों को भी प्रसन्नता होती है कि अरे वाह ये लोग बड़ा आनंद से नाच रहा है। कभी कभी ब्राह्मण लोग यज्ञ करते रहो, सब चल रहा है मंत्र मंत्र एकदम उच्चार, आनंद आता है। लेकिन वही कोई कीर्तन कर देना, हरे कृष्णा नित्य गौरांगो नित्य, बोलते काई मतलब काई इसको समझ गया है, उछल रहा है। प्रभुपाद क्या किए, वो सबसे हाईएस्ट चीज सबसे फॉलन को देके आ गए। सबसे फॉलन कौन, जो मलेच्छे यौवन चंडाल थे फॉरेन में, जो सब पाप करते थे, नग्न रहते थे वो लोग, रास्ते पे नग्न सोते थे, हम लोग कम से कम कपड़ा पहन के मच्छरदानी में सोते हैं, वो लोग वैसे सोते, वहां उनको जाके प्रभुपाद हरिनाम दे दिए। क्योंकि भारत के लोग को घमंड हो गया था कि हम लोग सब जानते हैं, भारत में किसी को प्रचार करो माहिते मालूम दरोजा ठकठकाओ गीता हाय हाय हाँ। अरे तो प्रभुपाद बोले इन लोग को बता के फायदा नहीं है नहीं, और गुरु उनके गुरुजी भी चाहते थे कि पाश्चात्य देश में जाके प्रचार हो। तो वाटरिंग द रूट्स ये इधर कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रभुपाद एक साइकिल बताते हो, कहते हैं कि भक्त जो है वो सर्वेंट ऑफ ऑल, अपने आप को क्या मानता है, मैं सबका सेवक हूँ, तो सबका सेवक हूँ और वो सबको प्रिय हो जाता है और वो अपने ही कार्य से प्रसन्न है क्योंकि ऐसा कार्य कर ही रहा है जिसमें उसको कर्म नहीं लग रहा है। तो प्योर इन कॉन्शियसनेस, फिर उसकी चेतना और शुद्ध हो जाती है और मन जो है नियंत्रित होता है, इंद्रिय नियंत्रित हो जाते हैं, तो स्वाभाविक है उसके खाना पीना सब कनेक्ट किससे हो जाता है, भगवान से कनेक्ट हो जाता है और वो किसी का अब प्रति आपराधिक भावना नहीं रखता, इसलिए वो किसी भी कर्म के बंधनों से नहीं बंधता। ये यहाँ पे कहा गया। तो यहाँ पे एक शब्द है संस्कृत में सर्वभूतात्म भूतात्मा, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि अ पर्सन हु हैज बिकम वन विथ ऑल आत्मा, इसका मतलब ये नहीं कि वो आत्मा सभी आत्माओं के साथ एक हो गया, नहीं, इसका मतलब है कि वो हिज बॉडी आत्मा, उसका जो आत्मा है बॉडी जो है आत्मा बिकम्स ऑब्जेक्ट ऑफ लव, आत्मभूत सबके प्रेम के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज भूत आत्मा। तो सर्वभूत आत्मभूत आत्मा, समझा, यानी सभी जीवों को प्रसन्न करने वाला ये ऐसे शरीर का ये सेवा काम करता है कि सभी जीवों को प्रिय हो जाता है। ठीक है, तुमको सच में कुछ नहीं समझा यार, आत्मा तुम समझता है, डर गया था, हैंग हो गया। ठीक है, आठवां और नौवां श्लोक को लिए, नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वविद् पश्यन् शृणुवान् स्पृशन् जिङ्घ्रन् श्नशन् गच्छन् शोपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिशन् निमिशन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। दिव्य भावना मृत युक्त पुरुष देखते सुनते स्पर्श करते सूंघते खाते चलते फिरते सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता,
बोलते त्याग दे ग्रहण करते या आंख खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से पृथक है। वो ये जानता है कि कौन कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, तो कौन कर रहा है? प्रकृति कर रही है। तो तू क्या कर रहा है अंदर में? हाँ, नियमित कर रहा है। क्या कर रहा है? नियमित निमित्त मात्र है। तू निमित्त है तो फिर इच्छा किसकी है? खाने पीने की इच्छा भगवान की है, तो फिर तू किसका निमित्त है? कोई बात नहीं, परपट पड़ो समझ में आ जाएगा। हरे कृष्णा। तो कोई भी कार्य के इमीडिएट और रूट कॉज होते हैं। इमीडिएट कॉज यानी जो अभी दिखता है, और रूट कॉज यानी मूल कारण। जैसे मैं अभी करताल बजा रहा हूँ, समझो, तो पहला इस बजाने का कार्य कौन कर रहा है? हाँ, तो इमीडिएट कॉज हुआ। और रूट कॉज क्या है? मेरे प्रारब्ध में है, तब वो बजा पाएगा, नहीं तो अभी लकवा मार देगा, नहीं बजा पाऊंगा, समझ गए? तो रूट कॉज, तो पांच कॉजेज हैं। एक है डूअर, पांच कारणों से होता है कोई भी एक्शन। डूअर यानी करता होता है, वर्क जो एक्शन होता है, सिचुएशन यानी वहाँ की जो सिचुएशन है वो, एंडेवर यानी उस कार्य को करने का प्रयास, और फॉर्चून मतलब आपका काल भी आपके साथ होना चाहिए। ठीक है, कर्ता, कर्म, काल, प्रयास और परिस्थिति, ऐसा आप लिख सकते हैं। यहाँ प्रभात भी लिखते हैं तत्पर में, तो प्रभात अपने हमारा हिंदी में, मैं तो इंग्लिश में लिखा हूँ, यहाँ लिखा है देखो, हाँ, कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास और भाग्य, हिंदी में लिखा हुआ है। ही इज कॉन्शियस दैट ही इज परफॉर्मिंग ऑल फॉर कृष्णा। तो एक्चुअली वो ये जानता है कि मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ, खाना पीना उठना सोना, ये किसके लिए कर रहा हूँ? भगवान के लिए कर रहा हूँ। तो जैसे वो एडवर्टाइज आता था ना, ईट क्रिकेट, स्लीप क्रिकेट, ड्रिंक क्रिकेट, याद है वर्ल्ड कप के टाइम 96 में, जो लोग देखा है, तुम लोग बहुत लोग तो पैदा भी नहीं हो गए। इंडिया श्रीलंका हारी थी, तो वो उसमें आता था ईट क्रिकेट, स्लीप क्रिकेट, ड्रिंक क्रिकेट। तो धर्म जो है वो धर्म को हटा के लोग क्रिकेट बना दिया। असली में क्या है? ईट फॉर कृष्णा, स्लीप फॉर कृष्णा, थिंक फॉर कृष्णा, ड्रिंक कृष्णा, एवरीथिंग, यू नो। तो ये कह रहे हैं कि वो छोड़ के ये अभी क्रिकेट आ गया है। तो यहाँ पे अभी जो ये सारे क्रियाएं हैं, इनमें से भी बाइफर्केशन है। कुछ क्रियाएं इसमें से ज्ञानेंद्रिय करती हैं, कुछ कर्मेंद्रिय करती हैं, कुछ जो है प्राण करता है और कुछ सेकेंडरी प्राण करते हैं। तो लिख लीजिए, देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना और खाना, जो ये पांच है पहले, ये ज्ञानेंद्रिय करते हैं। गोइंग, स्पीकिंग, एक्सक्रीटिंग एंड रिसीविंग, वो हिंदी में होगा, यानी जाना, बोलना, शौच करना और कुछ प्राप्त करना, ये कर्मेंद्रिय करते हैं। हाँ, देखना, सुनना, जो पांच है ना पहले, देखो पांच है पहले, क्या पहले देखते, सुनते, स्पर्श करते, सुनते, खाते। हाँ, तो खाते तक जो है वो ज्ञान इंद्रिय करते हैं, पहले पांच। फिर अगला जो चार है, हाँ, वो चार भी नहीं कह सकते, उसमें से चलते फिरते, गोइंग, चलते फिरते नहीं, सुनो, गोइंग मतलब चलते फिरते, स्पीकिंग बोलना, एक्सक्रीटिंग एंड रिसीविंग, एक्सक्रीटिंग यानी शौच करना, एंड रिसीविंग, ये सब जो है कर्मेंद्रिय करते हैं। स्लीपिंग, ब्रीदिंग, प्राण करते हैं, प्राण वायु जो था ना हमारा, तो सोना और सांस लेना कौन करता है? प्राण करता है। एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग आईज, आंख खोलना और बंद क्या करते हैं? वो कल जो पांच सेकेंडरी प्राण पड़े थे, याद है, वो करते हैं। ठीक है, तो जो
तो जो हमारा शरीर है, इंद्रिय है और प्राण है, ये प्रधान से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? प्रधान। याद है आपको मैंने बताया था प्रधान क्या होता है? सारे एलिमेंट्स के जो काउल मतलब, हाँ, जो ओरिजिनल फॉर्म है, जब वो अनकॉन्शियस रहता है या ओरिजिनल फॉर्म है, उसको क्या बोलते हैं? प्रधान। तो ये प्रधान से सब कुछ बनता है, जो भी आपको दिखता है किससे बनता है? प्रधान से बनता है। तो इनका कहना है कि कर्ता कौन है? मैं नहीं करता। कौन करता है? प्रधान। बात समझ में आया? ये समझता है कि मैं तो केवल, देखिए आप लोग नारियल देखे, हरा नारियल, हरा नारियल को चॉप करते क्या निकलता है? पानी। उसके अंदर थोड़ा अच्छा रहेगा तो मलाई। अब वो मलाई जो आपको दिखता है वो कैसा होता है? वो छुट्टा छुट्टा होता है कि अंदर चिपका होता है? चिपका होता है। वही नारियल को पेड़ पे आप पकने दीजिए, पक जाएगा। फिर वो नारियल को खोलिए तो वो जो अंदर का मलाई होता है वो कैसे बन जाता है? गाढ़ा गाढ़ा होता है ना। जैसे आप नारियल नहीं दिखे हैं, नारियल फोड़ते तो आधा हो जाता है, तो दिखता है ना अंदर में। तो उसको निकालते वक्त आपको थोड़ा सा ऐसे निकालेगा तो अच्छे से निकलता है, फिर वो भी निकलता है। उसको और छोड़ दीजिए और वो अंदर में सूख जाएगा, और ऐसे हिलाइएगा तो क्या होगा? मतलब क्या हो गया? पानी सूख गया, वो नारियल मुक्त हो गया। तो ये पहला स्टेज है पूरा आसक्ति का। दूसरा स्टेज है एक निष्काम लेवल का। तीसरा लेवल है भक्ति, खाली हो गया, टन 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 ऐसा है। अब उसको कोई लेना देना नहीं, बाहर जो सूखा मरो तुम, देखो मैं अलग हो गया। समझ गए आप? उनको इस प्रकृति के प्रधान के उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह उदाहरण किसी आचार्य ने नहीं दिया है, पर मैंने किसी डिवोटी से सुना था, इसलिए मैंने यहाँ कोट कर दिया। हरे कृष्णा, मेरे नाम पे बिल मत फाड़ना। तो ये जो प्रधान है, इन प्रधान से क्या क्या बनते हैं? सारे इस एलिमेंट्स बनते हैं, पृथ्वी, अग्नि, आयु, वायु, आकाश इत्यादि। इंद्रिय बनते हैं, इंद्रिय विषय बनते हैं, मन बनता है, अहंकार बनता है, ठीक है? यही प्रधान सब कुछ क्रिएट करता है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जीव कुछ नहीं करता, यानी जीव करने का ताकत नहीं रखता, ऐसा नहीं है। क्योंकि याद है मैंने दूसरे अध्याय में कहीं बोला था कि जीव कुछ, जीव करता है, क्या करता है? अच्छा करता है, एक शब्द था, चलो ढूंढना, होमवर्क, ठीक है? मैंने सेकंड दूसरे अध्याय के क्लास में बताया था और मैं रिवाइज नहीं करूंगा, आप लोगों के लिए एग्जाम है, ठीक है ना? कल मुझे बताना क्लास चलाने से पहले। लेकिन जीव करता है ये मैंने आपको पढ़ाया था, क्या करता है उसमें बताया था। एक्चुअली मुझे भी याद नहीं आ रहा है लेकिन वो पढ़ाया तो मेरे को याद है। मैं तो दो मिनट नोट देख लूंगा तो आ जाएगा, पर भी बोलते बोलते ध्यान में है। डूअरशिप ऑफ जीवा कैनॉट बी डिनाइड, क्योंकि जीव का नेचर ही है, क्या नेचर है? पावर ऑफ असर्टेनमेंट, निर्धारण, निर्धारण शक्ति है आत्मा में, और कंटेम्पलेशन, मनन शक्ति। तो मनन शक्ति है मतलब डूअरशिप है, समझ रहे हो आप? मनन कर सकता है वो, समझ सकता है। अब ये समझने का काम कौन कर रहा है? ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये सब प्रधान कर रहे हैं। ये सोचने का काम कौन कर रहा है? बात समझ रहे हो? मतलब ऐसा नहीं कि आत्मा सिर्फ एक शक्ति है जो बाकी कोई कर रहे देख रहे, नहीं, वो समझता है परंतु उसमें लिपता नहीं, समझ रहे? ठीक है। बृहदारण्यक उपनिषद 4.3.30 में कहा गया है, न ही विज्ञातुर विज्ञातेर विपरिलापो विद्यते, नोइंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द नोअर। जो जान रहा है उसको जानने वाले से आप अलग नहीं कर सकते। अभी जानने वाला कौन है यहाँ? आत्मा है, इसका मतलब आत्मा कार्यरत है, परंतु वो इस, ये जो मुक्त आत्मा की बात हो रही है, जो कृष्ण भावना भावित कर रहा है, वो प्रधान के एलिमेंट से में करता नहीं है, वो इधर का ज्ञाता है। ये 13वें अध्याय में आएगा, क्या आएगा? पुरुष प्रकृति ज्ञान और ज्ञेय, और क्या है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। वो क्षेत्रज्ञ है लेकिन क्षेत्र से अलग है, क्षेत्र का जानने वाला है। और कितने क्षेत्रज्ञ हैं? दो, एक आत्मा एक परमात्मा। आएगा 13वें अध्याय में आएगा। और यही चीज भगवत गीता के 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में आता है, खोलिए। कौन कौन करता है?
करता कौन कौन है? 18वें अध्याय का 14वां श्लोक के लिए ऑनलाइन प्लीज। पढ़िए तो सब लोग जोर से। अधिष्ठानं तथा कर्ता कर्म च प्रतिपदं विविधासनं पञ्चमं। पढ़िए क्या क्या कौन पांच करता है सुनिए। कर्म का स्थान शरीर, कर्ता विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये पांच कर्म के कारण। समझ में आ गया? वेरी गुड। ये हम तभी पढ़ेंगे पर अभी आपको रेफरेंस दे दिया। तो ये 8 और 9 श्लोक हो गए, 8 और 9 श्लोक मिलके पढ़े थे हम लोग। चलिए 10वें में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रैव अम्बसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्त रहित तो होकर अपना कर्म करता है वह पाप कर्मों से उसी प्रकार प्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश रहता है। तो क्या कह रहे हैं, किसकी तरह रहता है उसकी अवस्था? कमल के पत्र जैसे, उसमें लिप्त नहीं रहता। तो यहाँ प्रभुपाद जी समझाते हैं ब्रह्मणी शब्द का अर्थ क्या है? कृष्ण भावनामृत, यानी जो ब्रह्मणी यानी कृष्ण भावनामृत। और एक्चुअली ब्रह्मणी ये भी है कि जो प्रधान से प्रधान जो भी कर रहा है ये किससे आया है? ब्रह्मन से आया है। कहाँ से आया है? ब्रह्मन से आया है। ठीक है, तो मुंडक उपनिषद 1:2:10 में आता है, प्रभुपाद ने भी लिखा है, तस्मादेतत् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। या सॉरी आता है क्या प्रभुपाद की इसमें? हाँ है ना, लिखा है ना। हाँ। लिखा है तस्मादेतत् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। कि ब्रह्म से क्या आता है? अन्न आता है। ठीक है, तो आप जब अन्न फेंक देते हो याद रखना वो क्या है? ब्रह्मन का निरादर है तो अपराध लगेगा, इसलिए अन्न नहीं फेंकना चाहिए। ऐसे सब कुछ ब्रह्मन ही है तो वैसे आप नहीं कुछ फेंक सकते। तो ब्रह्मन गिव्स बर्थ टू फूड। फिर आता है 14.3, क्या है उधर? मम योनिर महत भक्त ब्रह्मा। कि ये जो मुझ ये ब्रह्म कहाँ से आता है? द मटेरियल एनर्जी कॉल्ड ब्रह्मन इज इन माई वूम। हाँ, मुझसे ये उत्पत्ति दवा दिया है। हिंदी में क्या दिया है? जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। हाँ, जगत की प्रत्येक वस्तु क्या है? ब्रह्म की अभिव्यक्ति। हाँ, अभिव्यक्ति है। ठीक है, फिर ईशोपनिषद के मंत्र वन में भी आता है, प्रभुपाद जी मंत्र वन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ईशावास्यम का। उसमें क्या कहते हैं कि सब कुछ किसको किसका है? भगवान का, सुप्रीम लॉर्ड का। तो जो भक्त है या कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो क्या सोचता है कि सब कुछ किसका है? भगवान का है। और ये मेरे पास क्या है? गिफ्ट रूप में है। क्या रूप में है? जैसे कभी कभी क्या होता है, लोग वृंदावन में घर ले लेते हैं लेकिन रह नहीं पाते। पैसा होता तो घर ले लेते हैं लेकिन रह नहीं पाते, तो क्या करते हैं? किसी ड्यूटी को बोलते हैं आप लोग रहिए, यहाँ भजन करिए, है ना। तो वो उसके लिए गिफ्ट रूप में है। तो उसे उसके कैसे कैसे रखना चाहिए? संभाल के रखना चाहिए। ये नहीं कि दूसरे का घर है मुझे दे दिया तो अब कचरा करके चले गए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। इसलिए बच्चों को संस्कार गुरुकुल में ही संस्कार देना चाहिए कि छोटा छोटा वस्तु मिला है तो उसका रिस्पेक्ट करना सीखो, क्योंकि वहीं से चालू होगा कि भगवान के दिए हुए चीज़ों का वो रिस्पेक्ट करेगा। जो माता पिता ने दिया है उसका ही रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो भगवान ने दिए हुए का क्यों करेगा। इसलिए माता पिता प्रथम गुरु माने जाते हैं, उनके चरणों में वही सिखाते हैं। लेकिन आजकल के माता पिता जो मॉडर्न है, दोनों कमा रहे हैं, दोनों पैसे के इतना पीछे भागे हैं कि उनको बेटे को संस्कार देने का टाइम नहीं है। बेटा निसंस्कारी होगा तो बाद में ओल्ड एज होम में डाल देगा, फिर तुम अपना पैसा से सुख खोजते रहना, सिंपल। तो इसलिए माता पिता को भी संस्कार देने का कर्तव्य करना चाहिए। फिर यहाँ पे एक आता है जो विश्वनाथ चक्रधर ठाकुर हैं, वो ब्रह्मणी को परमात्मा नहीं बोलते हुए, जैसे प्रभुपाद तो यहाँ लॉर्ड बोल देते हैं और परपोट में विश्वनाथ बलदेव विद्याभूषण का बोलते हैं, वो कहते हैं ब्रह्मणी यानी जो ब्रह्मणी इज अनटू द लॉर्ड विश्वनाथ ठाकुर, यानी ये जो कहते हैं ये ब्रह्मणी को कहते हैं, जो प्रधान है उसको कहते हैं। ब्रह्मणी शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड एज परमात्मा, से विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं। तो
तो 3:30 में क्या कहा गया है, मई सर्वाणी कर्माणी सन्यासर, रेन ऑल वर्क्स अनटू मी। तो कह रहे जैसे यहाँ कर्मणी जो है वो भगवान की तरफ गया, लेकिन वो कह रहे यहाँ पे भगवान की तरफ नहीं, वो ये जानता है कि ये कौन कर रहा है, ब्रह्मन कर रहा है या प्रधान कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली वो वही हुआ, कर कौन रहा है, भगवान कर रहे हैं, तो दोनों भी परपोट्स सेम। तो यहाँ और एक पॉइंट है, ये शब्द एक वर्ड है पापेना, मिल रहा है श्लोक में, क्या लिखा है, हाँ वो पाप से क्या होता है, उसे कोई भी पाप नहीं लगता। अब ये पाप के दो भाग हैं, कौन से दो भाग हैं, तो जो भौतिकवादी पुण्य है वो भी पाप है, पुण्य भी कंटेमिनेटेड है, क्योंकि आपके बंधन का कारण है, आपको स्वर्ग ही मिल गया तो बंधन हो गया, पुण्य से क्या मिलेगा, स्वर्ग, स्वर्ग मिला मतलब बंधन। तो ये कृष्ण भावना भावित कर्म करने से पुण्य और पाप दोनों भी नष्ट हो जाए, तो जो हमने देखा, ठीक है। पांचवे देखे ग्यारहवा बोलिए, कायेन मनसा बुद्ध्या कैवल्यैरपि इन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रिय के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो वो ये जानते हैं, योगी जन यानी कृष्ण भावना भवित काम करने वालों की बात हो रही है, आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल केवल ही रपी, केवल क्या करते हैं, शुद्धि के लिए काम करते हैं। मतलब ये नहीं कि बीजुज में अपना भी काम कर लिया, बीजुज में शुद्धि, ना 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 ना, फिर वो उस स्टेज पे नहीं माना जाएगा, इसका मतलब उसका ज्ञान कम है। ज्ञान बढ़ेगा तो धीरे धीरे किस स्टेज पे आएगा, कैवल्य रपि, बस वो जानता है ये तो बंधन का कारण है, लेकिन अब मैं यहाँ हूँ तो वो उसको वैसा करेगा। तो ऐसे कार्यों को सदाचार कहा गया, क्या क्या कहा गया है, सदाचार कहा गया है। तो सदाचार यानी ऐसे आचरण जिससे आप उस बंधन में नहीं फंसते। तो भक्ति रसामृत सिंधु के 1.2.187 में कहा गया है, इयस्य हरिर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त सा उच्यते। जीवन मुक्त की व्याख्या की गई है, कहा गया है, अ पर्सन एक्टिंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस विथ हिज बॉडी माइंड इंटेलिजेंस एंड वर्ड्स इज अ लिबरेटेड पर्सन इवन विद इन द मटीरियल वर्ल्ड ऑल्दो एंगेज इन मटेरियल एक्टिविटीज। जिसका मनसा काया वाचा किस में लगा हुआ है, कृष्ण, हाँ और भगवान में लगा हुआ है, लेकिन फिर भी वो मुक्त है। क्यों मुक्त है, क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, ठीक है, कृष्ण भावना भावित है। तो यहाँ पे उसका निराकरण किया गया, ठीक है। 12 खोलिए, मेरे नोट्स में क्या हुआ ना, मैं 11 के बाद डायरेक्ट 13 का नोट्स बनाना चालू किया, अरे 12 के नोट देखो थोड़ी 12 पर, फिर मैंने एरो ऊपर कर दिया, तो 12 को लिए। तो युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांत शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बंध जाता है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जो इस चेतना का भक्त है वो ये जानता है कि सब कुछ किसका है, भगवान का है, और भगवान सबका भला ही चाहते हैं, भगवान सबका अच्छा चाहते हैं। तो मेरे साथ जो भी हो रहा है ये क्या हो रहा है, अच्छा, मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तभी हम लगता है कोई, जैसे नारद मुनि की माँ जो थी वो पिछले जन्म की वो क्या थी, दासी थी, और वो बच्चे थे और वो दासी थी, और उसके माँ की कृपा से उसको भक्ति वेदांत जो साधु थे उन लोगों का उच्चिष्ट खाने को मिला, सेवा करने को मिला, उन्होंने आशीर्वाद भी दिया, कृष्ण रमति रस्तु, और उनकी माँ को सांप ने काट लिया, वो मर गई, सांप नहीं काटा था ना, और वो बच्चे थे, तो उन्होंने दुखी किया, अगर
ऐसा क्यों हुआ भगवान? अभी तो अभी साधु लोग आशीर्वाद, साधु का आशीर्वाद नहीं लगता है क्या? सब चालू नहीं किया। वो क्या बोले, क्या बोले नारद? अच्छा हुआ मेरी एक ही आसक्ति थी वो भी चली गई अपने अच्छे से। पता चला किसी घर पे किसी की मम्मी गुजर के वो नाच रहे उसको घर से बाहर निकाल देंगे। बोले अरे पागल है क्या? बोलते अब मैं हरी बोल हरी बोल बोलते हरे कृष्ण वाले क्या सिखाते। तो ये फर्क है। तो भक्त जो है वो दुखी नहीं होता, वो जानता है इसके पीछे जरूर भगवान का कोई ना कोई प्लान होगा। जैसे अभी कोरोना भी हो रहा है ना, लोगों की जाने जा रही हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमको बुरा तो लगता है क्योंकि ऐसा ये ऐसा होना एक समाज में अच्छा नहीं है, लेकिन जरूर भगवान को कोई प्लान होगा। सबको सबक सिखा रहे हैं, सब लोग ऑनलाइन चले गए तो सबको बोल रहे हैं भैया ज़्यादा भ्रम में मत रहो, संसार की सत्य को जानो। पदम पदम यद विपदम न तेषाम, क्या जानो ये हर पद पे, हाँ ये संसार तुम्हें परमानेंट रहने के लिए नहीं बना है। दिख लो कोरोना में जितने लोग गए हैं उससे ज्यादा लोग कृष्ण भावना भावित हो गए। सब लोग खोज रहे हैं मरने के बाद क्या होता है। हाँ लोग बोलते हैं ना गरुड़ पुराण नहीं पढ़ना चाहिए। अरे गरुड़ पुराण जो जो व्यक्ति मर गया होता है उसके लिए उधर गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है, मालूम क्यों? जो बाकी लोग हैं, हाँ क्यों पढ़ा जाता है? जो बाकी बैठे रहते ना वो टेंशन में रहते हैं अब ये कहाँ गया होगा। और इधर ये ब्राह्मण जो बोलते हैं और इस प्रकार आत्मा को घिसीट घिसीट के ले जाके पू नाम के नरक में पीटते रहते हैं, वो चिल्लाते रहते हैं और इस प्रकार से बोलते क्या इसको लेके पीट रहे तो हमारा क्या होगा। एक्चुअली वो लेक्चर उस मरे वो लेकर सुन रहा है क्या? वो तो चला गया, तो सुन कौन रहा है? अब किसका टेंशन में दिमाग है? अभी जो साइड में उन्हीं का है। तुम कैसे होता है जैसे बच्चा है ना उसको अगर कोई डोज देना होता है इंजेक्शन इंजेक्शन दिखा के नहीं देते, वो डर जाते हैं। तो मैं एक डॉक्टर क्या करते हैं उसको ऐसा गाना लगाते हैं टिप 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 ऐसे करते रहते हैं, ऐसे ना उसको खेलते रहते उंगली से टिप 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 कच है देखता रहे। फिर बच्चा ऐसे देखते हैं फिर बोलते हैं फिर टिप 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 टिप। बच्चे को छोड़ो, जो बड़े होते हैं ना बड़े उनको भी ऐसा करते हैं ना ऐसे हाँ दीजिए। तो क्या करते हैं? अच्छा तो आप कौन से क्लास को स्कूल में जाते हैं, क्या करते हैं? मतलब प्रोफेसर हैं? अच्छा नहीं मैं ना कच्चा अब इमीडिएटली स्पिरिट लगे ऐसे लगा देते हैं। हमको लगता है चलो गीला गीला अब ठीक ही है, वो ज़्यादा बड़ा होल नहीं गिरा। तो ये क्या करते हैं इस प्रकार से इंजेक्शन मार देते हैं। मैंने क्या करते हैं इंजेक्शन में चला गया, कहा था मैं हाँ तो वो हाँ ये वो इंजेक्शन मारने की तरह है। अब वो जो ब्राह्मण है वो डायरेक्ट लेक्चर देगा तो कोई नहीं सुनेगा। आइए आपको बताते मौत के बाद क्या होता है। बोलते यार अब तक मेरा शादी नहीं हुआ बच्चे नहीं हुए तुम मरने की बात कर रहे हैं। तो जब कोई घर में मर जाता तभी ब्राह्मण चांस लेते हैं हाँ बैठिए और इस प्रकार से जो नरक में है जो ऐसा पाप किया है जो सरकारी पैसा खाया है ब्लैकमेल लिया है सब सुनते बापरे ये तो हमारे बारे में लिखा है। बोले उसे फाड़ फाड़ के गीदड़ वीदड़ खाते रहते अतड़िया तोड़ते हैं। गरुड़ पुराण में बहुत कुछ लिखा है, उसमें तो ये भी लिखा है कि कोई स्त्री कैसे दिख रही है तो वो क्या करेगी, कोई पुरुष कैसा दिख रहा है उसको मूंछ कैसा है उसका नाक का ये किधर है कान कैसा दिखता है वो कैसा है यहाँ तिल है तो क्या है यहाँ तिल है तो क्या है यहाँ ऐसा है तो क्या है कपार ऐसा है तो क्या है सब दिया हुआ है। अगर कोई गरुड़ पुराण पढ़ ले और जो शादी में प्रोफाइल आते हैं ना वो देखते ही सब जान जाएगा इसका ये है सही है। इसलिए लोग बोलते नहीं गरुड़ पुराण मत पढ़िए डेंजरस है, पढ़ लेगा तो फिर बाद में वैसी बोल देगा ये कपटी है ये ऐसा है ये वैसा। हाँ उसमें एक वर्णन लिखा है कि अगर कोई स्त्री में वो वर्णन है तो 100% वो अपने पति का हत्या खुद करेगी। तो जब मैं वो पढ़ा ना तो मेरा बत्ती गुल हो गया। फिर बाद में मात्र तो परदारेश्वर का दर्शन ही उठ गया, मैं सबको देख रहा हूँ उसमें गुण है क्या इसका है क्या वैसा। बाद में बोला यार वो अपने पति को मारे तू क्यों चेतना खराब कर रहा है। फिर बोला शांति हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
तो ऐसा दिया हुआ है, तो इसलिए कभी कोई शादी में आशीर्वाद लेना था प्रभु जी हरे कृष्ण नाम में शादी कर, देखते हैं अरे मारेगा मार देगा, अरे उसके पति पे दया था तुझे लेकिन क्या करिए बता नहीं सकते, बता देंगे तो लोग बोले तो गरुड़ पुराण गलत है, हम ऐसा करते हैं क्या, मार देंगे आपको, लेकिन भैया लिखा है लेक्चर के बाद मत पूछना क्या सिम्टम है, ठीक है, मैं तो गृहस्थ लोग मर जाएगा, जाके पहले चेक करेगा मेरा मर्डर होने वाला है कि नहीं तो यहाँ कहा गया है कि जो भी वो जानता है कि सब किसका है, भगवान का, और भगवान ने जो मेरे लिए कर रहे हैं वो अच्छा, तो इस प्रकार ऐसा व्यक्ति जो है वो शांति को प्राप्त होता है, किस चीज को प्राप्त होता है, शांति, शांति, ऐसे कहते हैं ना भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत, कृष्ण भक्त को इस संसार की कोई भी वस्तु की कामना नहीं होती, उसे मालूम है आएगा जाएगा क्या है, मतलब आ रहा है जा रहा है, लेकिन जो भुक्ति है भोग कर भोगी आदमी है जो मुक्ति चाहता है वो भी फ्रस्ट्रेटेड है, भुक्ति नहीं मिला मुक्ति नहीं मिला, लेकिन भक्तों को मुक्ति भी नहीं चाहिए, भक्तों को सेवा चाहिए तो ऐसे भी मिल रहा है, मुक्ति कहाँ चाहिए, देखो भक्तों में भी वो जो बोलते ना मुझे बैक टू गॉडहेड जाना है, मुझे बैक टू गॉडहेड जाना है, वो परेशान रहते हैं मतलब कुछ लोग चैंटिंग भी करते हैं, लगता है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे बैक टू गॉडहेड जाना जाना, उनके चैंटिंग भी देखिए मतलब फ्रस्ट्रेटेड रहता है। हाँ मुझे याद है मेरा एक गुरु भाई था, वो क्या करता था उसको ट्रेन में भी गया ना तो ट्रेन में उल्टा बैठ, नींद नहीं आना चाहिए तो उल्टा बैठ जाता था, लोगों को सीट नहीं मिलता था उल्टा बैठ जाता था, और ट्रेन का डंडा पकड़ के हरे कृष्णा कृष्णा बोला अरे भैया और ना लोगों को सीट नहीं था तो लोग खड़े होकर देख रहे इसको क्या हो गया, भैया हमको सीट नहीं हम खड़े हैं, इसको सीट मिले तो उसके उल्टा बैठ के उस पर सर पटक रहा है, बोले क्या तो मैं उसको बोला अरे आराम से बैठो, नहीं मुझे इसी लाइन में बैक टू गॉडहेड जाना है, हम बोले तुझे समझ रहा है लोगों को नहीं समझ रहा बैक टू गॉडहेड क्या है तुझे गोलोक जाने की घाई है तो वो घाई भी नहीं रखना चाहिए, यहीं पे स्थिति एक ही बार में आ जाती है, पिछले श्लोकों में था ना कि तलवार ज्ञान के माध्यम से उसको आ सकते हो काट दीजिए फिर भगवान में जुड़ जाए खेल, आप लोग सब मुक्त है, आप लोग भगवान के धाम में बैठे, राधा रमण जी हैं, हाँ हमारा गार्डन है फूलों का, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, श्री वृंदावन बिहारी, श्री वृंदावन बिहारी, गाएंगे गाएंगे आएगा टाइम आएगा तो आप ऑलरेडी वैकुंठ में, राधा रमण जी आपके केंद्र बिंदु है, आप उठते हैं कौन दिखते हैं, राधा रमण, राधा रमण राधा रमण राधा रमण बोलिए, हाँ जो गृहस्थ है वो अपने घर पे विग्रह रख सकते हैं या भगवान का फोटो रख सकते हैं, आप भोग लगाइए कीर्तन करिए, पत्नी है तो पति की सेवा करिए, पति है तो घर संभालिए, सबका जिम्मेदारी लीजिए, कर्तव्य परायण निष्ठा एकदम परफेक्ट रखिए, अपेक्षा मत रखिए कि मेरा पांव दबा के देगा ये मेरा सर दबा के देगा, दिया तो ठीक नहीं दिया ठीक है, एक फोन कर दीजिए भैया आओ दबाओ नहीं दबाया गला दबा दिया कोई बात नहीं मैं पहले भी मुक्त था और मुक्त अभी भी मुक्त हो जाऊंगा। एक आचार्य अनंत आचार्य, स्टोरी बताया था मैंने अनंत आचार्य के, अनंत आचार्य करके आचार्य जो तिरुपति बालाजी में जिनको रामानुचार्य ने पोस्ट किया था, तो आज जो आप देख रहे हो ना पूरा वो उन्होंने बनाया है, तो उनको सांप ने काट लिया, वो गार्डन करते थे फूलों का और तिरुपति को पुष्प मंडपम कहा जाता है, क्या कहा जाता है पुष्प मंडपम, वहाँ भगवान को फूल बहुत पसंद है, बालाजी का हार रोज रात को ट्रेन से निकल के सुबह महालक्ष्मी को पहुँचता है कोल्हापुर, तो पुष्प मंडपम कहा जाता है, तो अनंत आचार्य को सेवा दिया था रामानुचार्य ने, तो एक्चुअली रामानुचार्य ने सभी सन्यासी लोगों को पूछा था यहाँ पे से कौन जाएगा वहाँ सेवा के लिए, तो सब लोग बोले रहे पहाड़ पे जाना इतना कौन जाएगा और कैसे उधर कुछ नहीं रहना खाना, तो वो बोले जो जाएगा उसको मैं स्वयं वैकुंठ लेके जाऊंगा, अनंत आचार्य इतना स्मार्ट थे गृहस्थ थे हाथ पर कर लिया मैं जाऊंगा क्योंकि भैया गुरुजी ले जाएंगे डायरेक्ट वर्ड दे दो क्या जाओ, फिर वो गए और जब उन्होंने वहाँ गार्डिंग वार्डिंग किया तो एक सांप आके उनको काट दिया, कोबरा था काट दिया, काट दिया तो भगवान बालाजी बालक रूप में बाहर आए और बोले अरे बाबा तुमको सांप काट दिए, बोलते इससे ज्यादा विष तो मेरे हृदय में है,
मैं देखना चाहता हूँ कहीं सांप जो काटा है कहीं वो ना मर जाए। भक्त का भाव देखिए क्या है, उन्हें क्या टेंशन है, ये जो सांप काटा है मेरा विष ज्यादा है, कहीं उसे ना कुछ हो जाए। तो फिर भगवान अपना उसने ओरिजिनल रूप दिया, बोले अनंत आचार्य ये सांप काटा है, तो बोले देखिए प्रभु अगर मैं मर गया तो मैं आपके वैकुंठ में जाके सेवा करूंगा, अब बच गया तो मेरा सेवा जारी ही है, तो मुझे कहां दिक्कत। अब बोलो अब क्या चाहिए मुक्ति में। मुक्त किसको होना है, आपको। चेतना किसकी है, आपको। लगाना किसको है, आपको। दूसरा दोषी कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। जिस दिन ये समझ जाए उस दिन आप किस चीज को प्राप्त कर जाइएगा, शांति। लिखा है क्या, क्या प्राप्त होगा, शांति। ये ओम शांति। लाल लाइट नहीं दिख रहा है, ऐसे नहीं होगा। लाल लाइट के 10 रुपए का बल्ब ले लो, 0 बल्ब दिखते हैं, लाल देखते रहो। लाल लाइट देखना थोड़ी जीवन का लक्ष्य है। वो अनंताचार्य थे ना जिनको माथा में लगा था। हाँ वही अनंताचार्य थे जिनको लग गया था, फिर उन्होंने मारा तो भगवान को यहाँ लग गया, जो यहाँ पे भगवान को लगा था ना उधर ऊपर में उन्होंने ले लग गया था। ठीक है 5.13 खोलिए, 12 खत्म हो गया ना, और कितना बताए तुमको। हाँ एक सेक्शन खत्म हो गया। सर्व कर्माणि मनसा सन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन में समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। सुखपूर्वक कब रहता है, मुझे इंग्लिश में पढ़ने दो। व्हेन द एम्बॉडीड लिविंग बीइंग कंट्रोल्स हिज नेचर एंड मेंटली रिनाउंसेस ऑल एक्शंस, ही रिजाइड्स हैप्पीली इन द सिटी ऑफ 9 गेट्स द बॉडी नाइदर वर्किंग नॉर कॉजिंग वर्क टू बी डन। तो जो नव द्वार में स्थित है, कौन स्थित है नव द्वार में, कौन स्थित है, आत्मा स्थित। तो आपको इसका पूरा स्टोरी मिलेगा एक भागवत पुराण में 4th स्कंद में। ठीक है पूरा, और नारद मुनि राजा प्राचीन बरी को पुरंजन राजा पुरंजन व्याख्यान सुनाते हैं, तो पुरंजन राजा का नाम लेके वो एक स्टोरी बताते हैं जो मनगढ़ंत होता है, और वो बाद में पता चलता है कि उसमें राजा आत्मा है, उसकी पत्नी कौन है, बुद्धि है, इंद्रिय, और ये 9 गेट क्या है, हमारे शरीर में कितने गेट होते हैं, 9। हाँ वो बोलता है कि तुम्हारे उस नगरी का अवंती नगरी बोलता है ना, अवंती नगरी में 9 गेट है, हमारे कितने शरीर में गेट है, 2 आँख 2 नाक के 2 कान 1, कितना हो गया, 2 2 2 6 1 7 और नीचे 2, कितना हो गया, 9। तो 9 गेट हैं, तो 9 द्वारों से सवारे जा रहे हैं, दरवाजा खिड़की यही सब है, और अंदर में क्या कर रहा है, बैठा हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, खिड़की खोल के बाहर देखते हैं कि नहीं देखते हैं, क्या देखते हैं बाहर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है देखते हैं। एक बार एक रो हाउस था, मैं गया था कीर्तन के लिए, हमको लेके गए थे पूना में, एक भक्त ने खरीदा था लाइक लाइन में नहीं होते बंगले, बंगले ऐसे होते हैं क्या बोलते उसको, रो हाउस टाइप बड़े बड़े, तो वो अपने इनॉग्रेशन के लिए ले गया था, तो हम लोग पहले पहुंच गए और वो थोड़ा पीछे से, उसको आने में देरी हो गया, वो लोग बाहर ही खड़े थे उसके घर के, लॉक था। तो सामने वाले बंगले में बुढ़िया बाहर आ रही थी और वो ना ऐसा गैलरी में खड़े होकर रस्ते में गाड़ियाँ देख रही थी कितने जा रहे आ रहे। तो मैं ये सोचा अगर उस बंगले के अंदर सोफा, अगर इतना बड़ा बंगला है तो सोफा सब एसी वेसी तो होगा ही, इतना अंदर होते हुए भी वो बाहर क्या खोज रही है, इसका मतलब उसके अंदर सुख। इसी प्रकार हम जीव क्या करते हैं, इस आंख के माध्यम से बाहर सुख खोज रहे हैं, रह क्या रहे हैं बंगले के अंदर, और खोज क्या रहे हैं बाहर सुख खोज रहे हैं। बाहर सुख है क्या, बाहर सुख है नहीं, एक बार एक मछुआरा था, बताया था स्टोरी, एक मछुआरा था, मच्छी मारते ना मछली, तो जो मछुआरा था ये एक मछली दो मछली पकड़ता था, तो उसने क्या सोचा कि एक दो मछली से मैं 100-200 कमा लेता हूँ, ये सब 10-12 मछली पकड़ के, तो एक दिन आएगा
जब मैं कम से कम 500-600 मछली पकड़ूंगा, इस पैसे से बड़ा जाली खरीदूंगा, बड़ा जाली से फिर मैं बड़े ज़्यादा मछली पकड़ूंगा तो ज़्यादा पैसा आएगा, फिर जो मेरे को आते जाते ये मछली पकड़ दो जो रास्ते मुझे कांटे लगते हैं ना, वो लगना बंद हो जाएगा, तो मैं गालीचा बिछाऊंगा, इतना पैसा कमाऊंगा, फिर मछली पकड़ने के लिए मैं क्या करूंगा, गालीचा बिछा के मछली पकड़ूंगा। अब मुझे बताओ, अगर इसके पास इतना पैसा आ गया तो ये मछली पकड़ने जाएगा कोई और जाएगा, ये धंधा करेगा ना ऊपर बैठ के, फिर तो कोई और पकड़ेगा, उसको कांटा लगेगा ही लगेगा। तो कोई भी कार्य के साथ एक जो दुख है वो उस स्थिति में होती ही होती है। आप किसी भी क्रिकेटर, किसी भी फिल्म स्टार, किसी भी इवन नॉर्मल फील्ड में जो बड़े हुए हैं, इनको देख के हर कोई बताता है, एक समय था जब हमारे पास कुछ नहीं था। आप सबके पापा को पूछ लो, सब बोलते हैं कि एक समय था हमारे पास 4 आना 50 पैसा था, आज हमारे पास घर है। अरे तभी सरकार भी उतना ही छापती थी तो तुमने कोई अचीवमेंट नहीं किया है वो भी बीच में पैसा छप दिया, छाप दिया गया था, बाद में ऐसा ना हो कि छापना बंद हो जाए फिर बोलोगे अभी 25 पैसे पे आ गए कोरोना के बाद कोई भरोसा नहीं, अगले अक्टूबर तक सरकार क्या करेगी अर्थव्यवस्था के साथ। तो ये क्या एनुअल में क्या करता, तो ये जो हमारा इमेजिनेशन है सुख का वो गलत है, ठीक है। तो ये नव द्वार जो है, इस नव द्वार के अंदर आत्मा जो है विचरण कर रहा है और बुद्धि उसके पत्नी की तरह है, ये पुरुष है और वो प्रकृति है, वो इसके आज्ञा का पालन करती है। वैसे बड़ा स्टोरी है, मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा, टाइम लगेगा। ये इच्छा करता है कि मुझे आज मैंगो चाहिए, बुद्धि बोलता है सर मालूम है किधर है, किचन में रखा हुआ है, सुबह सुबह खरीदा है, इसको बोलना होगा, उसको बोलो। फिर मुंह बोलता है उसको, हेलो वो लेके आओ, वो आदमी लेके आता है, इंद्रिय लेते हैं, खाता है। अब बुद्धि बोलता है देखिए मिल गया, आत्मा बोलता है आत्मा को जो है लेकिन कह रहा हूँ। तो ऑर्डर कौन फॉलो करती है, बुद्धि जो पत्नी बन के अंदर काम कर रही है, और प्रसन्नता कौन देती है, बुद्धि। आप देखो बुद्धि का आनंद सबसे ज्यादा है कि नहीं, आत्मा से हमने उस दिन क्या पढ़ा, इंद्रिय विषय मन बुद्धि और आत्मा। और ये मन कैसा है, चंचल है, ये आपके बच्चों की तरह है, प्रजा की तरह है, ए चाहिए वो चाहिए चाहिए वो चाहिए। अभी मोदी इलेक्शन करके प्राइम मिनिस्टर तो बन गए, सबको संभालना आसान है क्या, बिहार में गया तो एक समाज चिल्लाता हमको दीजिए, तो फिर उसको पैसा दो, तब तक ये बोलता हमको भी आरक्षण दीजिए, वो बता रहे सबको आरक्षण देंगे तो फिर बचा क्या, तो प्रॉब्लम है। आरक्षण दो तो प्रॉब्लम, नहीं दो तो प्रॉब्लम, किसान आंदोलन लाओ तो प्रॉब्लम, नहीं करो तो प्रॉब्लम, कोई भी कानून बनाओ तो प्रॉब्लम, नहीं बनाओ तो वही हाल जो बाहर प्रधानमंत्री का वही अंदर। तो वो जानता है ये सब बकवास है, असली हीरो तो मैं भगवान है और इनसे मेरा शाश्वत संबंध है, वो उनसे संबंध जोड़ लेता है, इसको जैसे चलना है इनके ऊपर छोड़ देता है काम। बात समझ में आया आपको, समझ में आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है, तो यहाँ कहा गया है कि आत्मा जो है वो एक्चुअली ये शरीर में भी कहीं भी विचरण कर सकता है, जैसे राजा पूरे राज्य में कहीं भी घूम सकता है, लेकिन वो उसको अकल ही नहीं, वो भ्रम में ही इतना है कि उसको ये पता ही नहीं है कि वो सुपीरियर एनर्जी है, इन्फीरियर एनर्जी नहीं है। तो यहाँ पे श्वेताशतर उपनिषद में 3:18 में कहा गया है वही, नवद्वार पुरे देही हमसो लीलायते बहिः वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हु इज लिविंग विद इन द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, ही इज कंट्रोलर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज ऑल ओवर द यूनिवर्स, बट व्हेन आइडेंटिफाइड द लॉर्ड देन बिकम्स फ्री इन द बॉडी। ये मुक्त कब हो जाएगा, जब जान जाएगा कि मैं इनका हूँ और इसका बंधन से मुझे कोई लेना देना नहीं, तब मुक्त होगा, अन्यथा उसका पूरा जीवन इसी अंधकार में व्यतीत होगा भोग करने में, ठीक है। हरे कृष्णा, 14 लीजिए, 5:14। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म बल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है,
न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि वो जानता है कि ये जो भी कार्य हो रहे हैं और ये जो भी कार्य करने को प्रवृत्त भी किया जा रहा है वो मैं नहीं हूँ, ये एनेक्टेड बाय मोड्स, गुणों से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो इसलिए समझ पाता है क्योंकि वो जान जाता है कि मैं माया के अधीन नहीं हूँ, मैं माया से परे हूँ। आप कैसे प्रमाण दीजिए कि आप माया से परे हैं? जल्दी जल्दी बताइए, कैसे बताइएगा कि आप माया से परे हैं? बोलिए कैसे। जैसे कोई हमको कुछ मेरा अपमान करता है और हमको वो दिल में बहुत चोट नहीं करता है। ठीक है, कोई आपको अपमान करता है, आपको चोट नहीं करता है, तो आप समझते कि आप माया से परे हैं। ठीक है, नजदीक है, गुड। अरे माया को नहीं बोलने की शक्ति है ना तुम में? अगर तुम माया के अधीन होते तो नहीं बोलने का ताकत नहीं होता। बात समझ रहे हो? अपना चॉइस है, चॉइस है, क्योंकि कर्म का बिगिनिंग नहीं है। तो बिगिनिंग लेस प्रधान कर्म जो है वो प्रधान से लॉज किए गए हमारे ऊपर, उसको स्वभाव कहा जाता है। हाँ, जैसे मैं उदाहरण बताता हूँ, जैसे कुछ लोगों को झूठ बोलने का आदत होता है। देखना, बचपन से अगर वो झूठ बोले, इसी जीवन में, हम पिछला जन्म छोड़ दें, इसी जीवन में बचपन से झूठ बोलते आ रहे वो भक्त भी बन जाता है ना, तो उसको सच बोलना होता है लेकिन मुँह से उसके झूठ ही निकलता है। क्या बन गया? वो स्वभाव बन गया। एक बार एक फुटबॉल टीम था, उनको ना गोलकीपर चाहिए था, उनका गोलकीपर उनको ढंग का मिल नहीं रहा, जो बॉल एकदम, तो गोलकीपर का क्या होना चाहिए, बॉल के बारे में बारीकी नज़र होना चाहिए, ये तो अड़ाएगा कैसे ना, बहुत उसको पाँव दिखना चाहिए, वो महा कहाँ मार रहा है, मुझे कैसे जम करना हो। तो वो टीम ने क्या किया, देखा, खोज रहे थे, उनको उनके कोच को दिखा कि एक आदमी है, वो बड़ा तरबूजा है ना, वो ट्रक से डाउनलोड कर रहा है, मतलब ऊपर से फेंकते तरबूजा तो गिरेगा तो फूट जाएगा, वो आदमी बड़ा तरबूजा आराम से कैच कर रहे थे यहाँ वहाँ, और पीछे रख देता था, जैसे कैच करता था पीछे, तो बोला यार ये तो कहीं से भी कैच कर लेता है। तो उसको उन्होंने ट्रेनिंग दिया, विनिंग दिया, गोलकीपर बना है, जो मैच खेला और जो सामने वाला फाउल हुआ तो ये गोलकीपर अकेला था और वो सामने वाला मार रहा था, तो इसने उसने यार मारा, इसका पूरा ध्यान था बॉल पे और ये जंप मारा, ये धुप करके पकड़ लिया, तो सामने वाले बोले यार ये क्या गोलकीपर है, आप फिर स्वभाववश फेंक गया पीछे। तो इसको बोलते हैं स्वभाव, जो इंप्रेशन होते हैं ना अंदर में, उसको बोलते हैं स्वभाव। जैसे देखो ये हंसता नहीं है, देखो देखो ऐसा, इसका मतलब क्या मालूम है, ये कहीं हंसा होगा और इसको बहुत मार रहा है और ये किसी को बोल भी नहीं पा रहा है तो दबा है। यहाँ देखो सबके दांत दिख रहे, तुम्हारा नहीं दिख रहा, दांत है ना, दिखा दो, तो हंस दो, ऐसा ऐसा हो, ऐसा हाँ ठीक है, ऐसा हंसा कर, गर्लफ्रेंड छोड़ दिया क्या तेरे को, लग रहा है ना, चलो ठीक है, बेचारा मुंडी भी नहीं हिला रहा। यही है आज की दुनिया में, आधे से ज्यादा प्रकृति से परेशानी नहीं है, ये जो कंसेप्ट है ना कि मुझे मेरी वाली ही गर्लफ्रेंड चाहिए, और उसमें क्या है, मीडिया वालों ने इतना हाइप कर दिया है ना, वही गाना हर जगह, तू मिले दिल खिले कहना ही क्या ये नैन, अरे हो गया नैन, दूसरी चीजें तो मिल सकते हैं लेकिन अनजाने से ही मिले और चलने लगे मोहब्बत के सिलसिले, और फिर क्या, अरमान में ये दिल में ऐसे जगे जिनको कभी मैं न जानू, कैसे न जानू, स्वभाव है वो प्रधान ने डाल के रखे तेरे अंदर वासना, वो हमसे हम उनसे कभी ना मिले, वैसा हाल है, मीडिया भी वही घुसेड़ रहा है, सब दुनिया वही घुसेड़ रही है, तो परेशान नहीं होगा तो क्या होगा। और इसके कपार पे देखो तीन लाइन है, बहुत टेंशन में, देखा ऐसा कर दो, ये देख बड़े लाइन है एकदम, हरे कृष्णा, ऐसी मजाक कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, 15 खोलिए, न
नात्येकस्य चित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किया रहता है। तो यहाँ क्या कहा गया है, नॉर डज द सुप्रीम स्पिरिट एज्यूम एनीवन सिंफुल और पायस एक्टिविटीज, मतलब परमात्मा जो है, अब यहाँ किसका ज्ञान हो रहा है, आत्मा परमात्मा और प्रकृति, ये तीनों का संबंध, ईश्वर जीव और प्रकृति, इनका अभी ज्ञान दिया जा रहा है। तो ये कर्म का प्रभाव ईश्वर पे होता है क्या, नहीं। वो हमने ट्राइंगल में भी देखा था ना ऊपर, उसका कोई लेन देन नहीं। तो ये कह रहे हैं कि भगवान का उससे कोई कर्म, वो कोई पाप उधर भी नहीं जाता। एंड हम कौन सा देख रहे थे, आप 15। However, bewildered because of ignorance which covers their real knowledge, जो आत्मा का असली ज्ञान है, क्या ज्ञान है, जो संबंध ज्ञान है भगवान से, जो सही वाला है, वो कवर हो गया है। किस लिए, क्योंकि वो इस अंदर में आवृत हो चुका है, क्या हो चुका है, ये माया में आवृत होने का उसका ज्ञान ढक गया। वरना एक्चुअली जो भगवान है वो उसको हमेशा मार्गदर्शन करते। तो यहाँ पे लिखा है कौशिकी, कौशिकी उपनिषद 3.8 में आता है, ये आपके इसमें भी दिया है क्या, कौशिकी उपनिषद 3.8 में आता है, एष उहि एव साधु कर्म कारयति तम यम एभ्यो लोकेभ्यो उनिनिष्ठते, एष उ एव असाधु कर्म करयति तम यम अधो निनिषते। इसका मतलब है आगे है, आगे दो दो पार्ट में होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो भगवान देखते हैं कि जीव अपना उद्धार करना चाहता है तो उसे उस प्रकार से पाप पुण्य काम में लगा देते हैं, और ये देखता है कि अपना अधोगति करना चाहता है तो उस काम में लगा देते हैं, और दोनों में भी भगवान उससे कोई वो नहीं रखते। हाँ, तो ये अपने जीव की इच्छा के ऊपर है, ठीक है। यही ऐसा ही श्लोक मेरे हिसाब से 17वें अध्याय में आता है क्या, इसमें तो नहीं दिया लेकिन मुझे याद आ रहा है, वो तुम्हारे श्लोका शीट में आता है ना, आसुरेशु एव योनिषु, क्या है वो, हाँ नीचे डाल देता हूँ, वो 16, 17, 18 में कहीं आना चाहिए। क्या है श्लोक, वो देखो ना आपके श्लोका शीट में होगा। अरे वो कितने बार कोट किए, स्टार्टिंग आ जाए बस, हाँ आसुरेशी वो योनिषु, देखो तो लास्ट के इंडेक्स के वर्ड्स में कहीं दिख रहा है क्या, आसुरेशी वो योनिषु, आसुरी उसमें भी आ सकते हैं, आसुरी 16 पॉइंट क्या स्टार्ट किया है, यह शास्त्र विद्धि मुत्रुज्य वर्तते काम अकार था न सिद्धि अवाप्नोति, ए वो नहीं रहे, आसुरेशु एव योनिषु है वो, एक मिनट मैं खोज के रहूंगा, कितना 19 कौन सा 17 17 का 19 बराबर, ये इसमें भी है देखो, लगता है मैंने कहीं नोट डाउन, इसमें मैंने कहीं नोट डाउन किया है, 17:19 है देखो, 17:19 है, क्या है, जो लोग क्रूर हैं, अपना उद्धार नहीं चाहते तो मैं उनको कौन से योनियों में डाल देता हूँ, नीचे की योनियों में डाल देता हूँ, जाओ भोग करो, जो वाला योनि है उसे भोग करो, पूरा सोना चाहते हो, मनुष्य योनि का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो, था किसी सोना चाहते तो भगवान बोलते जा भालू बन, सोलह का 19 है, माफ करिए 16:19 है, चैप्टर 16:19 तान अहम दुष्टः क्रूरान, ठीक है आपको मिला, तो ये कहा गया। फिर महाभारत में फिर कोई ये कहेगा, तो यहाँ महाभारत में भी आता है 3:31-273 में आता है, अज्ञो जंतुर अनिशोयम आत्मनः सुख दुःखयोः ईश्वर प्रेरितो गच्छेत् स्वर्गम नाकम न नरकम एवच। द इग्नोरेंट लिविंग एंटिटी इज कंप्लीटली पावरलेस इन रिगार्ड्स टू अटेनिंग हिज डिस्ट्रेस एंड हैप्पीनेस, इंपेल्ड बाय सुप्रीम लॉर्ड ही विल गो टू हेवन और हेल।
तो जो अज्ञानी जीव है, जो पावरलेस है, क्यों पावरलेस है? माया के सामने नहीं, अपितु किसके सामने? भगवान के सामने। भगवान उसको डाल ही देते तो क्या करेगा? नरक में डाल दिया तो डाल दिया, स्वर्ग में डाल दिया तो डाल दिया। कई लोग बोलते ना, आई डिजर्व दिस, ये मेरा है, मुझे इतना मिलना ही चाहिए। आजकल लोग कोर्ट में जाते हैं, मुझे इतना प्रॉपर्टी मिलना ही चाहिए, मेरे बाप का इतना था, हम चार भाई हैं, दो बहन हैं, ये हैं, फलाना ढिमका, सब सोचते मेरा है मेरा है, लड़ते हैं। लेकिन भगवान आपको किसी भी क्षण वहां से निकाल के कहीं भी डाल सकते हैं, तो पावरलेस है। तो कोई ये कहेगा, अरे इसका मतलब ऐसा हुआ कि भगवान जबरदस्ती करते हैं, अनजस्ट है? तो बोलते हैं नहीं, भगवान अनजस्ट नहीं, क्योंकि श्लोक में एक शब्द आया है, क्या आया है? विभु। क्या आया है? यानी भगवान क्या है? भगवान इमेजरेबल है, पावरफुल है, असंख्य शक्तियां हैं भगवान में, और असंख्य आनंद देते हैं और दे भी सकते हैं, परंतु तुम लेने की इच्छा नहीं करते, ये तुम्हारा दोष है। ये दोष किसका है? जीव का। तो भगवान अगर प्रकृति के आदेश में आपको वहां गुजार दे रहे हैं कहीं पे किसी योनि में, तो उसका दोषी भी कौन है? हम है, क्योंकि वो जीव के इच्छा के हिसाब से वो रिएक्ट करते हैं भगवान। ठीक है, और विष्णु पुराण में भी यही पुष्टि आती है। विष्णु पुराण में कहा गया है 1.2.30 में कहा गया है, और एक इसमें एक्स्ट्रा श्लोक है, लेकिन वो कहाँ से आया है वो मैंने विष्णु पुराण में खोजा मिला नहीं, परंतु बलदेव विद्याभूषण उसके आगे 1 लिखते हैं, पता नहीं एग्जैक्टली कहाँ से। तो विष्णु पुराण 1.2.30 में आता है, यथा सन्निधि मात्रेण गंध शोभाय जायते मनसो नो नोपकृतत्वात् तथासौ परमेश्वरः। और फिर वो कहते हैं कि जैसे स्मेल अफेक्ट्स माइंड बाय प्रॉक्सिमिटी, हाँ, जैसे आपके पास कोई, अब जैसे यहाँ गोबर लगा हुआ है तो इसका सुगंध तो मेरे पास आया नज़दीक, ये गोबर वहाँ भी था लेकिन अब कहाँ है? मेरे नज़दीक है, तो इसका इफेक्ट मेरे ऊपर होगा। यही गोबर दूर था तो मेरे ऊपर इफेक्ट नहीं था, पर ये नज़दीक है तो अफेक्ट होगा। तो कह रहे हैं, तो जैसे ये स्मेल जो है माइंड को प्रॉक्सिमिटी से आपके विचारों को बदलता है, उसी प्रकार द लॉर्ड ऑल्सो एक्ट्स इन रिलेशन टू लिविंग एंटिटीज विदाउट थॉट्स ऑफ डिस्टर्बिंग देम। भगवान को आपको तकलीफ नहीं देना है, परंतु आपने जो इच्छा की है उसको भगवान के हिसाब से चला देते हैं, फिर तुम तुम्हारा देखो। इसलिए भगवान पार्शियल नहीं है। तो बाद में और एक श्लोक आता है, सन्निधानात यथा आकाश कालादय कारण तरोह तथैव वा परिणामेन विश्वस्य भगवान हरिः। जस्ट एज बाय प्रॉक्सिमिटी ईथर ऑफ ईथर एंड टाइम आर कॉजेज ऑफ ट्री विदाउट देयर अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब जो ईथर यानी आकाश है, खम और काल है, ये पेड़ के पास होते हैं लेकिन पेड़ उनका कुछ भी बदलाव नहीं करता और उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। उसी प्रकार भगवान जो हैं वो इस ब्रह्मांड में हैं और वो एंड इवन विदाउट हिज कॉन्टैक्ट और ट्रांसफॉर्मेशन एवरीथिंग इज अंडरगोइंग। मतलब ये जो भी बदलाव है उसमें भगवान को प्रवेश करने का जरूरत नहीं है, वो अपने आप हो रहा है। मतलब भगवान उससे लिप्त हैं, मतलब थोड़े में क्या कहना है, भगवान उसमें लिप्त है, मतलब अलिप्त है, अलग है। बात समझ में आया? ठीक। फिर इधर आता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि लॉर्ड डज नॉट क्रिएट। इसका मतलब ये मत सोचो कि भगवान ने इसको क्रिएट नहीं किया है। तो उसका आता है बृहदारण्यक उपनिषद 1.2.4, उसमें कहा गया है स अकामयता द लॉर्ड डिजायर्ड। ये कब से आया, ये किसकी इच्छा से आया? भगवान। प्रकृति कहां से आई? भगवान। फिर वेदांत सूत्र के 2.1.35 में आता है वैषम्य नैर्घृण्य न सपेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति द लॉर्ड हैज नो पार्शियलिटी और क्रुएल्टी रादर जीवा सफर्स एंड और हैज प्लेजर ड्यू टू हिज ओन कर्मा। यानी जीव जो है वो अपने ही कर्मों के फल को भोग रहा है, इसमें भगवान का डायरेक्ट कोई हाथ नहीं है। फिर वेदांत सूत्र 2.1.36 में आता है न कर्मा विभागात इति चेन नाना दित्वा कर्म इज विदाउट बिगिनिंग। तो आप बोलोगे ओ तो अगर ये कर्म से आ रहा है, कर्म का कौन डाला? आप तो बोले कि भगवान ने क्रिएट किया है, तो कर्म भगवान ने क्रिएट किया होगा, तो इस सबको अलग अलग कर्म क्यों दिया?
तो फिर भगवान अनजस्ट हो जाएंगे। बोले ना ना, ये श्लोक कहता है वेदांत सूत्र का कि कर्म भी जो है वो अनादि है, उसका भगवान से कोई लेन देना, मतलब भगवान उसको पार्शियलिटी नहीं करता। तो आपको समझा उस दिन मैंने एक ट्राइंगल बनाया था, जीव ईश्वर और प्रकृति, तो समझ गए कर्म का क्या लॉ है और भगवान अनटस्ट है। तो परमात्मा का रोल समझा। अब ये परमात्मा के साथ आप है ना, रममाण वाला लीला वाला आनंद नहीं ले सकते, क्योंकि परमात्मा लीला नहीं करेंगे परमात्मा रूप में, क्योंकि वो तभी सैंक्शनर रूप में है। तो उनको जो भगवान रूप में आप भजन करोगे, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, तब आप उन आनंद का अनुभव कर सकते हो। बात समझ में आया? इधर सत और चित हो गया, परमात्मा के साथ जाने का चित भी आ गया, ज्ञान भी आ गया। ब्रह्म में क्या है? सिर्फ शाश्वतता पता चलती है, इसमें सत और चित आ गया। और जब आप भगवान के साथ नौवें और दसवें अध्याय में बारहवें अध्याय में जाओगे तो सत चित आनंद विग्रह भगवान का वो आनंद ले सकते। ठीक है, सोलवा श्लोक खोलो। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषां आदित्ययमज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रवृद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तो दिन में कैसे सूर्य से सब कुछ प्रकाशित हो जाता है, तो यहाँ कहा गया है कि उसी प्रकार व्हेन आवर वन इज एनलाइटेंड नॉलेज, जब उस ज्ञान का प्रकाश आ जाता है तो उसे सब कुछ ठीक से दिखाई देने लगता है। क्या ठीक से दिखाई देने लगता है? कि मेरे साथ जो भी हो रहा है इसका कारण कौन है? मैं भी हूँ, भगवान भी है और ये प्रधान भी है। क्यों ये कर रहा है? पर किसके आदेश पे? भगवान के आदेश पे। भगवान भी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने इच्छा की इसलिए। उन मुक्त जीवात्माओं के साथ ये हो रहा है क्या? क्योंकि वो ऑलरेडी मुक्त है, भगवान की सेवा में है, मैं नहीं हूँ। तो जब हम मार खा रहे हैं तो मार खाने का कारण कौन है? हम हैं। जैसे कभी कभी लोगों के बीच में देखिएगा, परिवार में कोई एक तो नौटंकी लड़का रहता है, हर बार अपना ही सोचा, मुझे चाहिए ये चाहिए, स्वार्थी हो जाता है। तो एक दो बार लोग स्वार्थ पूरा करते हैं, बाद में लोग उसको निग्लेक्ट करते हैं, तो चिल्लाने लगता है, देखो लोग मुझे निग्लेक्ट कर रहे हैं, कोई मेरे को ध्यान नहीं दे रहा है, आजकल सब अकेले मेरे को अकेला, ऐसा हो जाता। देखा मैंने लोगों को ऐसे करते, ये स्वभाव कहाँ से आया? क्योंकि लोगों ने तुझे नहीं देखा, ध्यान नहीं दिया। लोगों ने तुम्हें ध्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि तुमने पहले, क्योंकि तुम स्वार्थी थे, स्वार्थी हो। तो बदलाव किस में लाना है? वैसे ही यहाँ भगवान पिटाई कर रहे हैं, मान गए, क्लास टीचर प्रधान और प्रकृति के माध्यम से आपकी पिटाई कर रहे हैं, पर मार खाने के लिए बदमाशी कौन कर रहा है? काजू का बॉटल था, एक बंदर ने हाथ डाला काजू खाने के लिए, तो मुट्ठी बड़ा हो गया, अब निकलेगा हाथ? हाथ ही निकालना है तो क्या करना होगा? आशा लगा कि बैठे रहोगे तो भूखे मर जाओगे। तो कोई बोला प्रभु जी लेकिन वो तो बॉटल गिरा के खा सकते हैं। मैंने बोला भाई एनोलॉजी किसी और चीज के लिए है, मुझे एक्स्ट्रा बुलेट मत कर। अगर वो गिरा के खाने का अकल उसको होता तो बंदर का होता, मनुष्य नहीं होता, फिर तो वही मछुआरे की बात हो गई। बात समझ में आया? कुछ लोग क्या सोचते हैं, प्रभु जी मैं पंछी हो जाता तो कितना अच्छा था, हवा में उड़ता। अरे अबे हवा में उड़ता तो या तो कौवा बनता, तोता बनता, तोता होता तो कोई पिंजरे में रख लेता, ट्वाई ट्वाई करते रहता। कौवा बनता तो एक आंख होता, यहाँ ट्वाई 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 करना पड़ता। कोयल होता तो आवाज तो अच्छा होता लेकिन काला होता, तो कोई देखने भी नहीं जाता। आप लोगों ने कितने कोयल देखा है, कितना सुंदर दिखता है, घंटा कुछ नहीं दिखता है, आवाज सुंदर होता है। हाँ, अब मोर है वो सुंदर दिखता है लेकिन नजदीक जब पच करके काट लेगा। तो हमको लगता है वो हम उड़ सकते हैं, हम अभी उड़ नहीं पाते इसलिए हम सोचते हैं उड़ते तो कितना मजा आता। आज जो उड़ रहा है वो क्या सोचता है, चलता तो कितना मजा आता। हम लोग को दिन रात काम करना पड़ता है, सोते सो जाने सोने को मिलता तो कितना मजा। जो भालू सो रहा है बोलते यार कब ये मेरा, ऐसा नहीं कि भालू जानबूझ के सोता है, उसको बना ही प्रवृत्ति ऐसा, क्योंकि बस ऐसे खाते। मुझे मालूम है एक ड्यूटी सोते सोते कैसे सो गया था, मालूम है ना, एक फोटो है हमारे एक ड्यूटी का, लेक्चर में ऐसा बैठा था मेरे
हो गया मैं बोला अरे लेकिन आज वो स्टार प्रिंचर है पर ठीक है तो ऐसा है तो भगवान दोषी नहीं है। तो नॉलेज ज्ञान का बड़ा महत्व है जो ऑलरेडी भगवान ने कई जगह कहा है, जैसे सर्वम ज्ञान प्लवेन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि नहीं ज्ञानेन सदृशम, ऐसे बहुत सारे पिछले अध्याय के श्लोकों में कहा है भगवान ने ज्ञान की महत्व को। और परफेक्ट ज्ञान भगवान कहते हैं, परफेक्ट ज्ञान का अंतिम निर्णय क्या है, सातवें अध्याय का 19वां श्लोक खोलिए, सातवें अध्याय का श्लोक 19 खोलिए। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। जो महात्मा है वो दुर्लभ है, दुर्लभ ही नहीं अभी तो सुदुर्लभ है, बहुत ही कम है जो क्या जानता है वासुदेव सर्वमिति, कि वासुदेव सर्वे सर्वा हैं। तू वेड़ा कुंभा विठला, तू वेड़ा कुंभा तूच घडविशी तूच फोडिशी, तूच घडविशी तूच फोडिशी, तू वेड़ा कुंभा विठला, तू वेड़ा कुंभा। हे भगवान विठल, आप ही हो जो मेरे शरीर नामक मटका बना दिया है, तुम ही बनाते हो और फोड़ते हो, तो तू तेरा ये मटका फोड़ते रहे, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। अब तेरे को शरीर का जो करना है तेरे जैसे इस्तेमाल करना है तो करवा ले। नाचाओ 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 से मते, भगवान जब सॉरी प्रभुपाद जब बोस्टन गए थे यूएस में तो बोले यहाँ तो रजोगुण तमोगुण का प्रभाव है, मैं क्या करूँ। तो गाने लगे, प्रभु नाचाओ आप जैसे मुझे नचाना था वैसे नचाओ, मुझे तो कुछ पता नहीं क्या करना। प्रभुपाद एक दिन टॉमकिंसन स्क्वायर पार्क में बैठे और फिर जब एक साल प्रचार किया कोई डिवोटी नहीं बना तो प्रभुपाद टॉमकिंसन स्क्वायर पार्क में आ जाए ना, वो पेड़ है जिसके नीचे प्रभुपाद बैठे थे 1966 में बैठे थे, एक साल प्रचार किया कुछ किसको ने प्रभुपाद बोलते थे लेकिन कोई कुछ समझता ही नहीं था क्योंकि प्रभुपाद का इंग्लिश बंगाली इंग्लिश था। अब बूढ़ा आदमी है तो जवान लोग अपना अलग से रहते थे। फिर प्रभुपाद ने बोला कुछ नहीं, अब मैं कीर्तन करूंगा पर नाम ही है जो करना है सो करेगा, और उनका कोई नहीं था वहाँ पे। प्रभुपाद ने आँख बंद किया और गाया हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो इस प्रकार वो जो प्रभुपाद ने जब डेढ़ घंटे बाद आँख खोला कीर्तन करके, देखा तो 200-300 लोग नाच रहे और अपने आप फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद ने बोला हाँ ना आप इसका लेफ्ट हैंड पकड़िए, हाँ आप माताजी ठीक से खड़े हो जाइए, जब कुछ नहीं किया प्रभुपाद ने, अपने आप सब लोग नाच रहे। आप एक काम करना, जैसे ये टेबल है ना, ऐसे कोई टेबल लेना उसके ऊपर मट्टी रख देना, मट्टी यानी सैंड बालू सूखा हुआ, और ट्यूनिंग फॉर्क होता है ना ट्यूनिंग फॉर्क करता मालूम है वो, उसको एक फ्रीक्वेंसी में बजा के उसको उस टेबल करना, तो जितना बालू है ना वो एक फॉर्मेशन बन जाता है, तो साउंड का इफेक्ट है वो एक फॉर्मेशन ही बनाता है। आप देखना जब कीर्तन किस प्रकार से गाया जाता है ना उससे हिसाब से आप नाचते भी हो। ये नृत्य भी ऐसे नहीं कि लाइक कोई रोने वाला ट्यून कर तो भाई से जोर जोर से नाच, नहीं एक बार एक डिवोटी था उसको मंदिर प्रेसिडेंट ने किसी के मैयत में भेजा था, नहीं सॉरी किसी के बर्थडे में भेजा था,
कि जाओ थोड़ा कीर्तन कर दो। वो बहुत अमीर आदमी था, उसके बेटे का बर्थडे था, उसने बुलाया, तो ये डिवोटी का नंबर आ गया, ये बैठा और दुखी गाना गाने लगा। वहाँ बेटा बर्थडे उसका केक काट रहे गए, हरे कृष्णा, और केक कैसे काटेगा? वो बोलते पापा, पापा बोलते सर आप थोड़ा बंद कर, उसने पिक्चर का गाना लगाया फिर केक काटा। उन्होंने प्रेसिडेंट को बोला कि कैसा आदमी भेज दिया आपने, इसको पता ही नहीं है। तो उन्हें बोला अरे बाबा ऐसा नहीं करते, थोड़ा जोश में गाया करो, दिखाओ गा के। तो दो तीन ट्यून उसको बताए तो फिर जोश में गाने लगे, यस हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, उसको समझ गया है। फिर उसको दूसरा बार नंबर आया तो किसी की मैयत थी उसमें, इसको ले गए थे कीर्तन के लिए, ये गया वो बेचारे की माँ मरी और ये कह रहे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। तो इसको बोलते हैं रजाबास। तो जहाँ जो उपयुक्त है वो गाना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली ट्यून जो है ना वो फॉर्मेशन बनाता है। आप लेके बताओ टुम उसको पकड़ो करता है। तो साउंड का इस रिदम बना हुआ है संसार में, क्या बना हुआ है? रिदम। क्योंकि सब कुछ किससे आया? नावृत्ति शब्द, शब्द से ही चालू हुआ है, शब्द से ही अंत होगा। शब्द से चालू हुआ भगवान के, और ये शब्द से ही अंत होगा। तो जिससे चालू हुआ उसी से अंत होगा। हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। तो नाम की शक्ति है। जैसे आप समझो कोई मूवी का गाना सुनते हैं जो 10 साल पहले आया था, तो उसको सुनते क्या हो जाता है आप उस वो टाइम में चले जाते हो, टाइम फ्रेम में। आप 40 साल पहले का गाना सुनोगे, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तो वैसे बैठ जाते हो 40 साल पहले, मैं पैदा भी नहीं हुआ था। फिर ऐसा है जैसे आपको टाइटैनिक डूबते हुए दिखता है 1900, और आपको भावना भी आ जाती है रोने का, इतने लोग मर गए। या फिर हम लोग महाभारत सीरियल देखते हो, महाभारत का गाना था ना, मैं काल हूं, तो ऐसा लगता है कब से बोला है। मैं गुरुदेव को पूछा था, गुरुदेव का बर्थडे कब है? भुवनेश्वर पुगो, हाय आई वॉज बॉर्न 5000 ईयर्स एगो इन महाभारत। अरे मेरा छठा अध्याय खत्म हो जाएगा तो मैं गुरुदेव के ऊपर स्पेशल क्लास दूंगा, उनके मेमोरीज के ऊपर। तो यू नो ये काल ऐसा चीज है कि वो आपको उस काल के शब्द आपको कहाँ लेके जाता है, काल के टाइम फ्रेम में ले जाता है। तो जब आप वो वाले काल में जाते हो, कौन से वो वाला शब्द सुनते हो जो गोलोक से आया है, तो आपको कौन से काल फ्रेम में चले जाओगे? ओरिजिनल काल फ्रेम में चले जाओगे। तो आप ओरिजिनल फॉर्म में कब रहोगे? जब हरिनाम लोगे, बात समझा? और ये हरिनाम ऐसा है ना, ये आपके अंदर सारे एग्जैक्ट वाइब्रेशंस क्रिएट कर देगा, आपको एक सिंक में डाल देगा। इसलिए देखो आप कीर्तन करते करते ना छोटे छोटे बच्चे भी नाचते हैं। पहले मेरे पापा जो थे वो पहले बोलते थे क्या है तुम ये जप करते रहता है, एक दो माला ठीक है, तुम तो दिन भर यही करता है। फिर मैं कुछ बोला नहीं, मैं बोला घर पे क्या लेक्चर देना। देखो आप दुनिया में सबको प्रचार कर सकते हो, घर वालों को, रिश्ते वालों को और दोस्तों को, वो तुमको पप्पू ही समझेंगे। मेरे दोस्त आज बोलते रहे क्या है लाल लाल पहन लिया है, ठीक है नॉर्मल रहे ना, उनको पता ही नहीं। फिर उनमें से एक ने लेक्चर सुना, वो भागते हुए बोले तू भागना है, नाम है महात्मा। तो मैं क्या कह रहा था उससे पहले, हाँ पिताजी जो थे तो उनको मैंने वो खरीद के दे दिया, साउंड बॉक्स होता है ना जिसमें प्रभुपाद की धुन है, हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे, फिर वही बजते रहता है ना वो ट्यून, वो लगा दिया था। अब मेरे पिताजी सुबह सुबह योगा करते हैं, तो हमने योगा करते रहते थे, तो साइड वाला जो छोटा बच्चा था नेबर का, वो आते रहता था ऐसे खेलने के लिए आ जाता था। तो मेरी माँ ना देखती थी उसको, तो पापा जब योगा करते थे तो साउंड लगा देते थे, अब बेटा दिए तो बजाना चाहिए, लगा दिए। वो जो लड़का है ना अकेला नाच रहा था, अच्छा हरे कृष्णा, मम्मी बोलती अरे तो तेरे जैसे ही नाच रहा था, इसको कौन सिखाया? तो बोला मम्मी सिखाने का जरूरत नहीं है, ये क्या है नेचुरल कृष्ण कॉन्शियसनेस, इज होली नेम, इज ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन, इट इज कमिंग फ्रॉम गोलोक वृंदावन, गोलोक से आ रहा है ये, इट इज नॉट अ मंडेन साउंड।
इस दुनिया का ध्वनि ये नहीं। तो हमें उस ध्वनि से कनेक्ट होना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बहुनाम जन्म नाम अंत्य जो समझ जाए, वासुदेव ही सर्वे सर्वा हैं। और क्या है, फिर भी कुछ लोग है ना माया के अंतिम प्रभाव में रहते हैं। इतना ज्ञान होने पर उनको क्या लगता है, आत्मा और परमात्मा एक है। वो ये नहीं जानते कि गुणों में एक है और शक्ति में भगवान को विभू कहा गया है, अणु है, जीव क्या है अणु आगे आएगा। तो है ना, तो दोस्त, तो आप भगवान नहीं है इसका प्रमाण क्या है? नहीं, अरे आप ब्रह्म है ना, भगवान ब्रह्म हो सकते हैं? लोग बोलते नहीं, हम बाद में भगवान बनते, तो फिर पहले मतलब तुम नहीं थे, मतलब भगवान बनने वाला चीज है। तो तुम कहते हो ब्रह्म जो है वो अविकारी है, तो तुम भगवान नहीं थे तो भगवान नहीं रहोगे ना, तुम्हें विकार आ जाएगा, नहीं तो भगवान बन जाओगे, तो तुम्हारे डेफिनेशन में प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ कहा गया जैसे सूर्य उगता है तो क्या होता है, सब चीजें आपको दिखाई देती है, अंधकार रहते तो कुछ नहीं दिखता है। कोई की रात को घर में चार लोग सोए रहते तो एक दूसरे के पेट पे लात मार के चले जाते, कभी किसी को टॉयलेट लगता है दब दब, ए, कौन है? लेकिन दिन का उजाला आते सब दिखता है, कौन कहाँ है, क्या है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, ऐसा। तो वैसे ही ये जो ज्ञान है आत्मा आत्मा और परमात्मा का जो ज्ञान है, इसको समझने के बाद क्या होता है, सारी चीजें एज इट इज दिखाई देती है। और ये देखने के लिए आपको किसके मार्गदर्शन की जरूरत है, बोनाफाइड गुरु, एक प्रामाणिक गुरु की जरूरत है। आप अपने से देखने जाइएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, कई लोग कहते हैं सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं जी, हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को भ्रम में भी तो नहीं रहना है, इनका क्या कहना होता है, सब भगवान ही करते तो हम लोग भ्रम में ही रहे। तो तत्व को समझना होगा, हमें भी कुछ करना है क्योंकि हम भी कार्यरत है, क्या करना है हमको, हमको भ्रम से दूर रहते हुए भगवान की सेवा में अभी जो इंद्रिय उनको लगाना है, तो हमें भी कुछ करना है, नहीं ऐसा नहीं, बाकी संभाल जरूर रहे हैं भगवान, परंतु परमात्मा के रूप में वो न्यूट्रल है। सक्रिय रूप से भक्ति टोटल करोगे तब आएंगे आपके बीच। तो बद्ध अवस्था में ये तत्व को लेके चलिएगा तो आप और भ्रम में हो जाइएगा। किसी ने बोला कि सब कुछ अच्छा देखना चाहिए, अरे सब कुछ अच्छा नहीं होता है, भेद करना सीखना चाहिए, क्या सत है क्या असत है, क्या तम है क्या ज्ञान है। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया। क्या अमृत है, क्या अमृत है, क्या इस धरती पे नाश होता है, क्या नाश नहीं होता है, जानना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस श्लोक में येशाम और तेशाम कहा गया है, इसलिए इसको यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में कहा गया है, ठीक है, येशाम तेशाम। उसका कारण है कि मुक्त होने के बाद भी जीव जो है वो एबंडेंस में रहता है, ये नहीं कि मुक्त होने के बाद वो लटक जाता है, इसलिए येशाम तेशाम आचार्य लिखते हैं, ठीक है। तो हमने ये 16 श्लोक तक खत्म कर दिया। अब कल हम लोग सुबह 9:30 बजे आएंगे और अपना जो फोर्थ पार्ट है, 5वें अध्याय का, वो देखें। किसी को कोई सवाल, हमारे पास है कुछ समय, 10 मिनट, किसी का कोई सवाल? प्रभु जी, महामंत्र जब रहता है साकेत धाम से लेकर, महामंत्र जो है वो साकेत धाम से गोलोक से आता है, तो राम जी का भी? राम जी का साकेत से आता है, तो राम जी का भी नाम, राम जी का करेंगे तो राम जी के धाम में जाएंगे। राम और कृष्ण एक ही है, भाव अलग है। आप राम जी के कंधे पे हाथ नहीं रख सकते, रख सकते हैं? कोई नहीं रखा है। तो उनसे आदान प्रदान करना है तो ज्यादा से ज्यादा वात्सल्य भाव तक, साक्ष्य और माधुर्य नहीं। शूर्पणखा गई थी माधुर्य करने, भगवान ने उनके भाई ने ही नाक काट दिए। और यहाँ कुब्जा गई थी माधुर्य करने, भगवान ने उसके पाँव पे रखा, उसका टिंग करके उसको ब्यूटीफुल बना दिया, सुंदर बना दिया। हाँ, उसके इधर पाँव रख के उसके काम वासना को भी खत्म कर दिया, ये भगवान है। बात समझे? हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद की जय। कल मिलते हैं 9:30 बजे। हरे कृष्ण।